करिए बिल्डिंग कनेक्ट। कोई भी क्लास में आपको डाउट है तो आप गूगल फॉर्म जिसकी लिंक यहाँ पर टॉप चैट बॉक्स में दी है वहाँ से आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। सो वी आर लर्निंग अबाउट पिलर वन ए मनी। वहाँ पर अब तक हमने लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम, फिर मनी का फंक्शन, एवोल्यूशन, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी देखा था। अब आज से हम लोग एंटर कर रहे हैं ये बैंक मनी के अंदर और वहाँ पर भी ये चेक क्या है, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई भीम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ट्राई सम क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। वकीफ, मोनिका, आनंदिता, नुपुर, सुरभि, सपना, सुजीत, सुषमा, प्रियंका, विपुल, ट्विंकल, सुनील, विकी, रेशव, रजनीश, वर्षा, यश त्रिपाठी, यश, पंकज, शुभंकर, अनिता, दीपांशी, शालिनी, ऋत्विक, विधि, ऋषभ, आदित्य, स्मित, स्वाति, सईद, जमन, कृतिका, मानसी, अभिषेक, शिवम, मयम, निधि, आदित्य, तपस्या, साक्षी, शुभम, पृथ्वी, टीना, राहुल, अंकित, मुजम्मिल, सचिन, श्रुति, जतिन, क्षितिज, ये सब ने करेक्ट किया। और अभय, आरिफ, ब्रोज, इग्नोरेंट ब्लॉक, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मैत्री, नवाजिश, मोहित, निधि, अभिमन्यु, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आई एम हैप्पी टू शेयर ऑलमोस्ट 80% ने करेक्ट जवाब दिया, विच मीन्स कि आप बराबर रिवीजन कर रहे हैं, सो दैट इज गुड थिंग। जब आप कैपिटल फॉलोइंग सेकंडरी फंक्शन ऑफ मनी, तो जो प्राइमरी उसको एलिमिनेट कर पाता था, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मनी इज द मेजर ऑफ वैल्यू, वो दो तो उसके प्राइमरी फंक्शन है। तो वन एंड थ्री जहाँ जाके उड़ाते जाओ तो फिर बाकी जो बचा टू हेल्प्स इन स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, बराबर है तो टू एंड फोर इज द आंसर। ट्राई द सेकंड क्वेश्चन। रंजन, प्रखर, आदित्य, प्रभालीन, प्रतीक, मोनिका, जयंत, राम, अनुपम, विजयलक्ष्मी, शाश्वत, मानसी, किशन, महिमा, आशुतोष, अभय, अपूर्व, सत्यम, एमजे, साई, अनिल, आदित्य, अंजलि, क्यूरियस लर्नर, तुषार, चारू, तौसिफ, साक्षी, संदीप, विरज, ये सब लोग, फिर जील, अपूर्व, अभिमन्यु, क्षितिज, मोहित, अंकित, आरिफ, महिमा, अमित एंड फैज, और दूसरे लोग जो उनके दो करेक्ट हुए। कॉपर दाम पॉइंट इंट्रोड्यूस बाय एम्परर अकबर इज एग्जांपल ऑफ फियट मनी के दो फीचर क्या थे, कॉइन या करेंसी नोट के रूप में होना चाहिए और दूसरा किसी किंग, क्वीन, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ने इशू किया होना चाहिए। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, नो डाउट। व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट? तो आज पढ़ाते वक्त मैंने आपको बोला भी था अकबर राजा कब हुआ, 1556 से 1605। तो कॉपर दाम पॉइंट इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्परर अकबर, तो वो क्या एवेंजर एंड गेम की तरह टाइम मशीन में पीछे चला गया कि 13th सेंचुरी इंडिया में वो लीगल टेंडर बन गया था? हाउ इज दैट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। सो द आंसर इज ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन। निरंजन, कृतिका, मेहुल, अवनी, सरस्वती, दीपेंद्र, निधि, सौरभ, शुभम, दीपेश, हिमांशु, आशुतोष, राजन, इंद्रनील, निरेशमा, तुषार, ध्रुव, अमृता, आकाश, सागर, मनी, श्रुति, अभिषेक, शुभम, सौरभ, अनुज, आदर्श, विजय, श्रीशांत, सिद्धार्थ, दीपांशु, तन्मय, दीप, समरीन, जागृति, खुशी, नमन, शिवांशु, श्रीनी, वैष्णवी, अभय, महिमा, स्वाति, आदित्य, स्वरूप, रवि, ये सब लोग, फिर फैज खान, अभिमन्यु, महिमा, टीना, आरिफ, सचिन, तन्वी, हिमांशु, ज्ञानदीप, सोनम एंड आदर्श। तीन एमसीक्यू देखे, तीनों ही करेक्ट हुए। दो स्टेटमेंट आंसर रीजनिंग और उसके ऑप्शन होते हैं आप जानते हैं। 2020 ईरान हैज इंट्रोड्यूस अनाउंस टू रिप्लेस द ईरानियन दिनार। भाई दिनार किधर था? ईरानियन रियाल था, जिसको वो रिप्लेस करके टोमन नाम की नई करेंसी लाने वाले। ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और अजर्शन रीजन की मजे की बात यह है कि ए इज फॉल्स, ऐसा ही ऑप्शन होता है, तो सीधा जवाब हो गया डी इज द आंसर। ईरानी सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, वो तो बात बराबर है। सो डी ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स, बट रीजन आर स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने आपको कल भी बताया था वो बार्टर सिस्टम वाला एमसीक्यू में कि आप कैजुअली मत लो, हर एक चीज को आराम से पढ़ो क्या चल रहा है। कई बार मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं, सर मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, मैंने सभी एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन मैं 5 अटेम्प्ट एग्जाम दे रहा हूं, मेरा प्रीलिम क्लियर नहीं हो रहा है। वो प्रॉब्लम क्या होता है? सपोज कट ऑफ 100 मार्क, तो ये ऐसे लोग जो अराउंड 96-98 पे आके उनका गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे सवालों में वो गड़बड़ करके नेगेटिव में नीचे गिर जाते हैं। तो इतना लाइक जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि 0 मार्क लेके आते हैं, वो मार्क्स तो लाते हैं, बट फॉर सम मार्क्स दे आर लूजिंग द कट ऑफ गेम। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू रीड दिस स्टेटमेंट्स। क्लियर? तो ये जो अपनी चालू क्लास में क्विज होती है, उसके बाद जब क्लास खत्म होती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है, और इन्होंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया कि जहां पर आप अपडेट बटन क्लिक करोगे तो आपको पोल लीडर बोर्ड दिखेगा। जैसे कल रात हमने जो 4 एमसीक्यू देखे, तो पुष्पराज, उत्कर्ष, मोजी, गर्ग एंड अदर्स, दे सिक्योर्ड गुड मार्क्स। मैंने कभी आपको बताया था कि यूपी, ये यहाँ पर अकेडमी का सिस्टम क्या है, जो फास्ट आंसर टिक करेगा उसको वो रैंकिंग में ऊपर सिस्टम दिखाता है। लेकिन अगर आप इसमें नाम नहीं है, तो इसमें कोई डिमोटिवेट या हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूपीएससी में जल्दी से एमसीक्यू टिक किया तो उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क मिलते नहीं। लेकिन आपने सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद को क्या बुलंद करना है कि अगर ये लोग 4 में से 4 करेक्ट कर सकते हैं, या अभी जो लोगों ने 3 में से 3 करेक्ट किए तो मेरे क्यों नहीं, आई मस्ट ऑल्सो गेट ऑल करेक्ट। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एमसीक्यू को ज्यादा केयरफुली पढ़िए, बी अटेंटिव इन क्लास, और यूजुअली आज जो पढ़ा तो कल एक दो एमसीक्यू होंगे, तो पूरा हैंडआउट उसी हिसाब से आपने पढ़ना चाहिए। दूसरों की रैंक या स्पीड पे आपने चिंता में आने की जरूरत नहीं, आपका टारगेट ये होना चाहिए दूसरों के मैक्सिमम करेक्ट हो, तो मेरे भी मैक्सिमम करेक्ट होने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं, दूसरे लोगों के बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो क्या मैंने हैंडआउट एडवांस में पढ़ के आना चाहिए बिफोर द क्लास? मतलब आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाने से पहले पढ़ के आना है? जवाब है नो नीड टू रीड द हैंडआउट इन एडवांस बिफोर द क्लास। लेकिन जो मैंने कल आपको पढ़ा दिया, तो फिर वो मॉर्निंग में उसको देखना चाहिए, तो आज जो पढ़े कल मॉर्निंग में देखना चाहिए। आपके पास जो हैंडआउट है उसका कम से कम 3 बार रिवीजन होना चाहिए। पहला रिवीजन जब वीकली क्विज होगी बुधवार को, उससे पहले वीकली क्विज में अराउंड 30-40 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा रिवीजन आपका प्रॉपर्ली होना चाहिए जब मेगा इकोनॉमिक क्विज होगी, मतलब जब सितंबर में सिलेबस कंप्लीट होगा तो पूरे सिलेबस 100 क्वेश्चन की मैं और क्विज दूंगा दैट वे। और तीसरा आपका बराबर रिवीजन होना चाहिए रियल प्रीलिम एग्जाम के 2-3 हफ्ते पहले, आपने इसको वापस से पूरा हैंडआउट क्लियर किया होना चाहिए। सो टारगेटेड टू डू 3 टाइम्स। आगे भी मैंने आपको बताया था कि हर एक लेक्चर का सपोज वीडियो मिस हो गया, लेक्चर लाइव लेक्चर मिस हो गया, तो प्ले बटन पे दबाओ, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके साइड में 3 डॉट होते हैं, उसको क्लिक करने पर हम लोग पीडीएफ पावर पॉइंट डाउनलोड कर सकते हैं।
तो इसको हम बोल सकते हैं पावर पॉइंट डाउनलोड करने का डिफॉल्ट तरीका। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ऐसा पावर पॉइंट डाउनलोड करेंगे उसकी टेक्स्ट को सर्च नहीं कर सकते। इफ यू ओपन इट इन एडोब प्रीमियर कॉपी प्रीमियर प्रीमियर और सपोज आप ऐसा सर्च मारो कंट्रोल एफ और पी कॉमन, आपको स्लाइड पे नहीं ले जाएगा। तो इसका इलाज ये है कि जब कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक खत्म हो जाता है पूरे टॉपिक का, उसके बाद मैं खुद से पावर पॉइंट बना के अलग से अपलोड कर देता हूं। तो अब तक हमारे दो बड़े ब्लॉक कंप्लीट हुए, पहला था वो पूरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर वो कंप्लीट हुआ, और दूसरा ये बार्टर सिस्टम से लेकर कॉमन पेपर करेंसी तक हमने देखा। तो वो दोनों ही पावर पॉइंट मैंने अपलोड किए, आप जाइए कोर्स पेज अपडेट सेक्शन और वहां से वो डाउनलोड कर लें। उसका फायदा क्या है, ये जो ऐसी फाइल है जिसमें आप टेक्स्ट को सर्च कर सकते हो, उसमें सीधा कॉमन टाइप करोगे तो आपको इधर लास्ट वाली साइड मिल जाएगी। लेकिन इसमें से किसी चीज की प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं, ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन एंड रेफरेंस। आगे भी मैंने आपको बताया था, जो भी प्रश्न आप मुझे गूगल फॉर्म से पूछ सकते हैं जिसका लिंक इधर ऊपर है, और आपने अब तक मुझे जो प्रश्न पूछे हैं वो मुझे मिल चुके हैं। तो डोंट वरी, ऐसा नहीं कि मैंने प्रश्न पूछा जवाब नहीं आया, सबके जवाब आ जाएंगे। वेट फॉर द ट्यूसडे, वहां पर मैं पीडीएफ फाइल बनाऊं कि आपके पोस्ट पेज में डालूंगा, जिससे जो प्रश्न पूछा है सबके जवाब आ जाए टाइम स्टैम्प के साथ। तो चैट बॉक्स में ज्यादा चर्चा एक दूसरे के साथ करने की जरूरत नहीं, डाउट है आप गूगल फॉर्म से पूछ सकते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब तक हमने बार्टर सिस्टम देख लिया, लिमिटेशन से, तो मनी सिस्टम आया, मनी में भी मेटालिक मनी देखा, फियाट मनी, पेपर करेंसी, वो सब देखा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैंक मनी या डिपॉजिट मनी। इट इज क्या, आपके पास फियाट मनी है तो आप क्या करेंगे, उसे बैंक अकाउंट में जाकर सेव करते हैं। तो जैसे ही उसको बैंक अकाउंट में डाला, वो जो 30 बन गए उसको बोला जाता है बैंक मनी, या उसको बोलते हैं डिपॉजिट मनी। अब ये डिपॉजिट मनी यूज कैसे करें, पेपर करेंसी वो तो हाथ में लेकर दे सकते हैं। बैंक मनी को यूज करने का एक तरीका है पेपर ऑर्डर इशू करो, मतलब चेक में आप साइन करके सामने वाले को दे दो। या दूसरा तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर इशू करो, जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, भीम, पेटीएम, सब आपकी मदद से आप काम कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की मदद से पैसा सामने वाली पार्टी को दो। सो इन थ्री वेज यू कैन यूज द बैंक मनी। ऐसा करने पर आप जो पेमेंट देते हैं इट कुड बी ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है कि स्पॉट या इमीडिएट पेमेंट, मतलब आपने शॉपिंग की, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और पैसा कट हो गया। दूसरा हो सकता है डिफर्ड पेमेंट, मतलब बाद में पैसा कटेगा। जैसे कि आपको स्टैंडिंग ऑर्डर दे दो कि हर महीने जितना टेलीफोन बिल है मेरे बैंक अकाउंट से काट देना, ऐसा बीएसएनएल को लिख के फॉर्म में दे दो और एक कॉपी अपने बैंक को दे दो, एंड देन दे विल कट द मनी अकॉर्डिंग। या फिर आप जब अमेज़न वगैरह में शॉपिंग करते हैं तो एक ऑप्शन होता है कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई पर खरीदो। सपोज 15,000 का फ्रीज है तो आपको 1,500 रुपये हर महीने बनने लग जाए और इस महीने 5,000 रुपये, तो ऐसा धीरे धीरे भी आप कर सकते। सो वी आर एट दिस स्टेज, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी, नाउ बैंक मनी या डिपॉजिट मनी। ये बैंक या डिपॉजिट मनी को यूज करने के तरीके एक तो है चेक, फिर ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, फिर यूपीआई, ये सब क्या वन बाय वन विल सीरीज। वाइस रिपन आप फ्रीडम सर्कल में पढ़ेंगे, इज ऑल्सो कंसीडर टू बी द फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस। अब उनके अंग्रेजों के जमाने में दे हैड सर्टेन बैंक्स, और बैंक की मदद से चेक भी इशू करने की सिस्टम वो लेकर आए थे, पर भारत की पब्लिक को उस पर ट्रस्ट नहीं था। सो ही वांटेड टू इंक्रीज द यूज ऑफ चेक्स। पब्लिक को हमेशा डर ये लगता था कि ये चेक यूज किया और कोई हमारे पैसे से खाते से पैसा निकालेगा, कोई नकली सिग्नेचर करके ले जाएगा, मैंने चेक लिया लेकिन मैं जब बैंक में जाऊँगा मुझे पैसा नहीं देगा, सो दीज आर प्रॉब्लम्स। इसलिए वाइस रिकॉन के जमाने में कानून बना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब इसका हिंदी पराक्रम में लिखित अधिनियम, इसका कोई काम नहीं है, इसमें उपयोगिता है। ये कानून का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द यूज ऑफ चेक, वो कैसे कर सकते हैं, बाय पनिशिंग द डिसऑनर एंड फॉर्जरी। सपोज मैं कोई गलत आपकी सिग्नेचर करके पैसा उठाने की बदमाशी करे तो सजा हो सकती है। सपोज आपने किसी को सामान भेजा और सामने वाले ने आपको पेमेंट चेक के जरिए किया, लेकिन आप जब बैंक में जाते हैं और चेक डिसऑनर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं बाउंस हो जाना या अस्वीकृत होना, तब होता है। सपोज आपने इसको 1,000 रुपये का माल भेजा, लेकिन बदमाश ने जब आपको 1,000 का चेक दिया, उसके बैंक खाते में पैसा है नहीं, तो बैंक में जब डिपॉजिट करोगे बैंक रिफ्यूज टू एंटरटेन इट, तो चेक बाउंस हो गया। या कुछ बार यहाँ पर सिग्नेचर में गड़बड़ी है, या यहाँ डेट या अमाउंट में कुछ मैनिपुलेशन है, बैंक इज नॉट ऑनरिंग द थिंग, तो उस केस में ये जो बदमाश है उसके सामने आप कंप्लेंट करके न्याय दिलाने के लिए कौन सा कानून है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसमें क्या पेनल्टी है, कितने प्रोविजन है, कितने साल की सजा वगैरह, नॉट इंपॉर्टेंट, हमें बस बॉडी एसोसिएशन में याद रखना है दैट दिस इज रिलेटेड टू चेक डिसऑनर। चेक के अंदर कितनी पार्टी होती है, ये अपने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती कृष्णा यादव को 51,000 रुपीज का चेक दे रहे हैं, तो इसमें पार्टी कितनी है। पहली पार्टी है प्राइम मिनिस्टर को, जो कि हम पैसा सेंड कर रहे हैं, तो टेक्निकली उसको बोलते हैं ड्रॉवर। अब ये प्राइम मिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट का कहीं बैंक अकाउंट होगा और वहां से ये पैसा ये जो लाभार्थी उसको जाएगा। तो दूसरी पार्टी है ड्रॉ या जिसको हम बोलते हैं बैंक। लास्ट थर्ड पार्टी जो कि पैसा रिसीव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रेसिपिएंट या पे। अब इसमें तीन नहीं होकर चार हो जाते तो क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी हैव टू रिमेंबर देयर आर थ्री पार्टीज, क्योंकि एनसीईआरटी में या एमसीक्यू में परेशान कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ चेक्स। सपोज रोमन साइनी मतलब कौन, सेंडर या ड्रॉवर, वो मुझे पैसा भेजता है चेक से, तो मैं बन गया पे या रेसिपिएंट। ये जो चेक होता है उसकी टाइम लिमिट होती है, वैलिडिटी होती है कि 3 महीने में मुझे ये चेक मिला, उसके 3 महीने में ये जो डेट यहाँ पर लिखी होगी, उसके 3 महीने में मैंने बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए। अगर उसके बाद मैं जाता हूँ तो बैंक वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे ये फेल हो गया, तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, मुझे वापस रोमन को जाके भाई इसको कैंसिल करके मुझे नया चेक दे दो वगैरह। तो पूरी प्रक्रिया हमको जाने की जरूरत नहीं, फेल चेक का मतलब क्या, जो भी डेट है उसके बाद कुछ समय बीत गया, उसके बाद उसके लिए बासी हो जाता है, फिर बैंक वाले उसको आना नहीं करेंगे। सेकंड, पोस्ट डेटेड चेक। सपोज रोमन मुझे 1 जनवरी 2020 को चेक देता है, लेकिन वो तारीख ऐसे लिख के दे 31 मार्च 2020, तो उसे हम कहेंगे पोस्ट डेटेड चेक, मतलब उसे पहले मैं लेके जाऊंगा तो बैंक वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो प्रश्न होता है तो फिर अभी से क्यों दिया होगा उसने चेक, मे बी कोई सीन ऐसा होगा कि वो वेट कर रहा होगा कि इन्वेस्टर से पैसा आएगा, फिर मैं इनका पेमेंट ऑन कर पाऊंगा, लेकिन चेक अभी से दिया है ताकि सामने वाले को विश्वास बैठेगा ये पेमेंट करने वाला। एनीवे वो क्या क्यों कैसे काम करने बट पॉइंट इज पोस्ट डेटेड चेक, मतलब ये तारीख के बाद उसको बैंक में डालना है। थर्ड इज कॉल्ड एन एंटी डेटेड चेक, बट वो क्या है, वो बीकॉम की चीज हमारे लिए काम की नहीं, आपकी इच्छा हो तो गूगल सर्च करके ढूंढ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई आपके टाइम का बेस्ट यूज है, सो जस्ट इग्नोर इट। नेक्स्ट, सपोज रोमन ऐसा चेक देता है मृणाल, लेकिन उसने ये चेक पर सपोज ऐसा कोई क्रॉसिंग नहीं किया, बस ऐसे ही दे दिया, और ये वाला चेक सपोज मुझसे गुम हो जाता है, आई मिसप्लेस इट, तो मेरी जगह कोई और आदमी भी जाकर डेंजर क्या है, इसको ले जाएगा। सपोज मृणाल नाम का मैं भी हूं, एंड देयर इज अ टेलीविजन एक्टर जिसका नाम भी मृणाल है, तो मेरी जगह वो भी जाएगी और बोलेगी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखो, तो बैंक वाले उसको भी दे देंगे हां मृणाल नंबर दे। सो ये जो चेक है जहां पर ऐसा कोई मार्किंग नहीं, ऐसा क्रॉसिंग नहीं किया, तो उसको बोलते हैं ओपन चेक या बियर चेक। बियर मतलब जो भी उसको लेके जाएगा उसको बैंक वाले पैसा देंगे। एनीवन प्रेजेंट कैन इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक, तो इसमें थेफ्ट, मिसयूज आप समझ सकते प्रॉब्लम। सो हाउ कैन वी बिकम सिक्योर, उसके लिए चेक में सपोज ऐसा लिख दिया जाए खास करके यहां पर पे इज अकाउंट ओनली, अगर ऐसा लिखा जाएगा तो फिर मैं जब बैंक में इसको जमा कराऊंगा बैंक वाले मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें, मुझे सीधा कैश में पैसा नहीं देंगे। तो अगर बैंक अकाउंट में मेरे पैसा ट्रांसफर हो रहा है, दैट मींस सपोज मैंने गया एंड सपोज दिस एक्ट्रेस इज गोइंग एंड गेटिंग द मनी डिपॉजिटेड, तो उसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, लेकिन उसका फायदा क्या है, फिर आप जाकर पुलिस में कहीं कंप्लेन करें तो बैंक के अकाउंट का एड्रेस प्रूफ होगा, बैंक में पान कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, तो पैसों की रिकवरी करना, कॉन्टैक्ट करना पॉसिबल होता, सो मिसचीफ इज लेस लाइकली। अभी क्रॉसिंग होता है तो हमें इतना पता क्रॉस चेक पेज अकाउंट ओनली, जिसमें बेसिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट। उसके बाद और भी होते हैं पेज अकाउंट नॉन नेगोशिएबल, पेज अकाउंट फॉर दिस बैंक ओनली, बट वो सब बैंकिंग एग्जाम में काम के, अपने लिए काम के नहीं। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द चेक। नीचे सिग्नेचर करना है, ऊपर नाम लिखना है सामने वाले का। नाउ
रोमन सैनी अपना चेक देता है, सपोज उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, बट किधर उसका अकाउंट है, उसका क्या बड़ी अकाउंट नंबर कैसे पता चले, तो वो सब चीजें यहाँ पर नीचे भी होती है। पूरा जो डेटा चेक नंबर है, फिर यहाँ पर 9 डिजिट का माइकर कोड होता है जिसकी मदद से पता चलता है कि असल में ये फर्जी चेक है या रियल में चेक है, ये मैग्नेटिक इंक से चेक कर सकते हैं। सपोज रोमन का अकाउंट गांधीनगर ब्रांच में है, एसबीआई की गांधीनगर ब्रांच, तो प्रॉब्लम ये होता है गांधीनगर मतलब कौन सा, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, उड़ीसा में भी गांधीनगर नाम का एरिया है, दिल्ली में भी गांधीनगर एरिया है, सो वेर एक्जैक्टली। तो जैसे हमारा पिन कोड होता है प्लेस के लिए, ब्रांच के लिए होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी आईएफएससी कोड, उसे पता चलता है ये वाली ब्रांच में मिस्टर रोमन सैनी का अकाउंट है, एंड फ्रॉम दैट द मनी इज टू बी डिपॉजिटेड टू दिस पर्सन। ये सब एग्जैक्ट फिगर वगैरह काम के नहीं, बट यू नीड टू हैव आईडिया दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक दिस। नेक्स्ट, रोमन ने मुझे चेक दिया और मैं जाके बैंक में जमा करता हूं। तो एक जमाने में जब कंप्यूटर सिस्टम नहीं था तो बैंक वाले इस चेक को एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो मैन्युअली उसको चेक करेंगे, रजिस्टर निकालो रोमन सैनी का बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उसमें बैलेंस है कि नहीं, इसमें से पैसा निकाल किसके दो, बट यू कैन अंडरस्टैंड वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसे आगे चलकर ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम यानी एसीएस आती है, उसके भी फिर सब टाइप होते हैं। शुरुआत में ऐसा था कि माइकर कोड यूज करने लगे, माइकर मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये जो यहाँ पर स्याही होती है उसमें आयन ऑक्साइड ऐसा कुछ यूज करते हैं ताकि वो रीडर उसका जो होता है तुरंत डिटेक्ट करके पता चल जाता है कि सामने बैंक अकाउंट किसका, उसमें से पैसा काटना है। आफ्टरवर्ड्स भी केम अप विद इवन सोफिस्टिकेटेड सिस्टम जिसको बोला गया ओसीआर, ओसीआर आप जानते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो कैम स्कैनर से फोटो खींचते हैं किसी रसीद का, फिर वो कैसे उसमें जो टेक्स्ट या नंबर है उसको डिकोड कर सकता है, वो टेक्नोलॉजी। उससे भी फिर और आगे बढ़े तो प्रेजेंटली चलता है सीटीएस सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। व्हाट इज दिस सीटीएस सिस्टम? सपोज रोमन ने मुझे चेक सेंड किया, उसका अकाउंट एक्सिस बैंक में, मेरा अकाउंट मान लीजिए एसबीआई में, तो मैं एसबीआई में जाकर अपना ये चेक जमा कराऊंगा और उसको बोला ये देखो प्लीज अकाउंट बोली मेरे खाते में पैसा जमा, तो फिर एसबीआई ये जो चेक उनको मिला है उसका वो अपने स्कैनर पर स्कैन करेंगे इमेज, और स्कैन करने पर उनको फाइल मिलेगी जेपीईजी फाइल, वो ट्रांसफर कर देंगे एक्सिस बैंक को कि भैया ये चेक करो सच में रोमन का सिग्नेचर है, अगर हाँ तो आप पैसा ट्रांसफर करिए और यहाँ हमको डाला है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की चेक इमेज को स्कैन करके सामने वाली बैंक को दी जाती है उसको बोला जाता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम या सीटीएस। तो ये कौन चलाता है? देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एनपीसीआई जिसके बारे में थोड़ी स्लाइड बात करेंगे, बट द पॉइंट इज दे आर द वन रनिंग दिस एंटायर शो। इससे फायदा क्या है? वो जो माइकर कोड था उसमें आपने मैग्नेटिक इंक चाहिए, यहाँ पर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ओसीआर था तो उसके लिए पावरफुल सॉफ्टवेयर चाहिए या बारकोड चाहिए, वो भी प्रॉब्लम नहीं, बस स्कैन करो और सामने भेज दो। कोई यहाँ पर चेक की फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही है, मेरा अकाउंट अहमदाबाद में, रोमन का बैंगलोर में हो, फिर भी जीपीजी फाइल तो सीधा कंप्यूटर नेटवर्क से चली जाए, तो बीच में कोई उसको चोरी करेगा, टेम्परिंग करेगा, कॉस्ट स्पीड, सारे बेनिफिट आप समझ सकते। सो दिस बेसिक आइडियाज वर्ड एसोसिएशन मॉडर्न सफिशिएंट। हमने क्या समझा? फियाट मनी था, बैंक में डाला, बैंक की मदद से हमने सब पेपर ऑर्डर जनरेट किया, चेक जनरेट किया, अलग टाइप की और दे दी। चेक में प्रॉब्लम क्या हो सकता है? इट कुड बी डिसऑनर्ड, बैंक अस्वीकार कर सकती है आपको पैसा नहीं देगी, अगर सेंडर है उसके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो, या फिर सपोज की सिग्नेचर में नहीं है, जाली सिग्नेचर वगैरह। सो दिस इज वन टाइप ऑफ पेपर ऑर्डर। दूसरा एक पेपर ऑर्डर होता है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट मतलब क्या? सपोज मुझे कॉलेज की फी बनी है तो मैं बैंक में जाऊंगा और बैंक को मैं पैसा एडवांस में दे दूंगा, दिस आर सपोज 20,000 रुपीज, और सामने वो मुझे चेक जैसा दिखने वाला ये कागज का टुकड़ा देंगे, बट वहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा होगा कि ये वाली गुजरात यूनिवर्सिटी जिसमें जमा हूँ, और बस ये हो गया। तो ये मतलब कागज का टुकड़ा इट सेल्फ हैज बिकम 50,000 या 50,000 रुपीज, और फिर मैं जाकर वो गुजरात यूनिवर्सिटी में देता हूँ तो काम हो गया। फिर गुजरात यूनिवर्सिटी जब इसको प्रेजेंट करेगी तो वो डिसऑनर नहीं होगा क्योंकि एडवांस में पैसा आदमी दे चुका है। सो दैट इज डिमांड ड्राफ्ट। और इज कॉल्ड ओवर ड्राफ्ट। ओवर ड्राफ्ट का मतलब ये है, सपोज मेरे अकाउंट में 1,000 रुपीज है लेकिन मुझे जरूरत पड़ी है 5,000 रुपए की, तो मैं क्या अपने अकाउंट से पैसा कर सकता हूँ? हाँ, बट बैलेंस क्या हो जाएगा? -4,000 रुपीज, और वो वाली रकम मुझे टुकड़े टुकड़े में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बैंक को वापस करनी पड़ेगी। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब इट इज द फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट एज अ लोन, उधारी के स्वरूप में, इवन इफ योर बैंक बैलेंस इज इनसफिशिएंट। आगे हम लोग पिलर 1D में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना है जहां गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खोलते हैं, और वहां उनको बोला गया कि आपको 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। तो ओवरड्राफ्ट एक चीज है, लोन अलग चीज है। लोन ऐसी चीज है कि जो आप लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा 2-3 लाख रुपए का काम करना है, ओवरड्राफ्ट इज लाइक 5,000-10,000 का काम करना है। इसके अलावा भी और चीजें होती है, बट वो सब आईबीपीएस और बैंक की परीक्षा में अगर तैयारी करें तो कुछ नेट पर सर्च कर लो, इधर हमारा फोकस जितना है उसके लिए दिस मच बेसिक आइडिया इज सफिशिएंट। नेक्स्ट, हमने देखा चेक ट्रंकेशन सिस्टम, स्कैन इमेज करा चेक का और सामने भेज दिया जाता है, पूरा ऑनलाइन काम हो रहा है। अब कंसीडर द केस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विदिन अहमदाबाद उनका यूनिवर्सिटी में ब्रांच है, फिर कर्णावती में ब्रांच है, ड्राइविंग रोड पे ब्रांच है, 25 जगह पर ब्रांच होगी, हर जगह कोई आदमी पैसा डिपोजिट करा है, कोई विड्रॉ करा है, कोई किसी के नाम का चेक डाल रहा है। हाउ टू कोऑर्डिनेट दिस एट एन ऑल इंडिया लेवल? ई बैंकिंग होनी चाहिए, और उसका एक सेंट्रलाइज सर्वर कहीं पर हो और हर ब्रांच का डेटा वहाँ पर जाता हो ताकि सब एडजस्टमेंट हो सके कि ये रोमन ने बैंगलोर से पैसा दे दिया था और मुझे अहमदाबाद में देना है, एंड लाइक दैट दे कैन कोऑर्डिनेट। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है, अपने बैंक में आप गए हो तो मैनेजर या कैशियर के पास कंप्यूटर होता है, वो सब आता है उसमें, और एक वेब प्लेटफॉर्म पर सारी चीजों को सिंक किया जाता है। ये पूरी सिस्टम है, उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी सीबीएस। इसका फायदा क्या है? ये जो ब्रांच बेस्ड बैंकिंग थी उसके पहले सेंट्रलाइज बैंकिंग, डेटा मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन वगैरह होता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अलग अलग कंपनियां बनाती है, जैसे इंफोसिस ने बनाया एक फिनेक्ल सॉफ्टवेयर, टाटा कंसल्टेंसी ने बनाया बांसीएस, लेकिन वो सब नाम हमें याद रखने की जरूरत नहीं, वो बैंकिंग एग्जाम के लिए काम किया। एसबीआई के अंदर चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार, 3 साल का टेन्योर है, बट वो कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के या सीएजी नहीं है कि हमको वो याद रखना पड़े, सो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएस। नेक्स्ट, कोई ऑर्डिनरी पुलिसमैन है, लॉयर है, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, हाउसवाइफ, सब लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट खुलाया और वहाँ पर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है, एसबीआई का अलग से। हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में। आरबीआई इज कंसीडर टू बी बैंकर्स बैंक, जैसे एसबीआई बोले कि वो पीपल्स बैंक है, तो उसके भी ऊपर उसका कौन है? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी बैंकर है, एक्सिस बैंक के ऊपर भी बैंकर है, तो इन लोगों को लोन में पैसा चेक कौन देगा? आरबीआई देगा। बट ऑन दैट लॉजिक, अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर है, तो इधर कोई कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है, तो इधर ये सब बैंकों का भी बैंक अकाउंट होगा आरबीआई में, ऑल द बैंक्स हैव बैंक अकाउंट इन आरबीआई, तो भाई आरबीआई ने भी अपना एक ऑनलाइन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, उन्होंने बनाया यस, और वो नाम हमने याद रखा है, इट इज कॉल्ड ई कुबेर प्लेटफॉर्म, इट इज द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ऑफ आरबीआई। यहाँ पर सभी बैंकों के अकाउंट होते हैं, आपस में वो सब सेटलमेंट करते हैं। ऑल द बैंक्स हैव करंट अकाउंट एट आरबीआई। अब ये करंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस एट प्रेजेंट। हम लोग नेक्स्ट वीक ये भी पढ़ेंगे कि रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आरबीआई करता है, तो वो सब का भी ऑनलाइन सेलिंग परचेज ई कुबेर प्लेटफॉर्म से होता है। ये ई कुबेर प्लेटफॉर्म को पोलारिस लिमिटेड ने बनाया, वो सब बैंकिंग एग्जाम के लिए काम का, हमारे लिए काम का नहीं। मित्रों, ये सब के अंदर से एक प्रश्न है, इसका रिस्पॉन्स
शिवनंदिनी सोनिया सुरभि खेमरा त्रिशा जार्विस अंकित जगदीश मयंक शिवानी विकास रोहन संजय स्नेहा ऋत्विक पंपी अनुराग रोहित अरुण पीयूष प्रीति संजय सिद्धार्थ अदिति अपूर्व नीतू मेहर श्रीनी सुशांत सौम्या रंजना कुंदन हिमांशु वरद यामिनी संदीप ये सब ने करेक्ट किया है। फिर अंकित हिमांशु निखिल जबीन राहुल विश्वा अरिजीत देवाशीष नौमन राजेश एंड अदर्स अब तक चार एमसीक्यू देखे इनके चार में से चार करेक्ट। तो द क्वेश्चन इज फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैंने आपको आगे भी बताया कि बी वेरी केयरफुल अबाउट रीडिंग ईच एंड एवरी वर्ड डायरेक्टली व्हाट है फाइंड रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। पहला स्टेटमेंट द नेटवर्किंग ऑफ अ बैंक ब्रांच इज व्हिच इनेबल कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट। सही है क्या? अगर मेरा अकाउंट अहमदाबाद में और मैं बैंगलोर जाऊं तो क्या अपना अकाउंट यूज कर सकता हूं कंप्यूटर से लॉगिन कर और सब काम हो गया? बिकॉज़ ऑनलाइन ई बैंकिंग सब कर सकते। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट बट यू टू फाइंड रॉन्ग स्टेटमेंट। तो जिधर भी वन दी के उस स्टेटमेंट करो एसीडी चला गया जो बचा वो जवाब होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट पीटी देन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीएस कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन। वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की सही व्याख्या नहीं है। ऑब्वियसली सारा डेटा पहले से अच्छी तरह सिंक्रोनाइज हो सकता है बट आरबीआई ने अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए ऐसा बोला नहीं, सब लोगों की सुविधा के लिए बोला। फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज अ डिटेल प्रोसीजर थ्रू व्हिच अ बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट टेक ओवर अनदर बैंक। ये एनपीए क्या होता है आगे हम लोग आफ्टर वन वीक देखेंगे बट ये भी सीबीएस की मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सो फाइंड रॉन्ग स्टेटमेंट द आंसर इज व्हाट वेंट रॉन्ग। तो ये हमने अप टू पेज 9 पढ़ लिया। Now let us take a break and then we will move to the next part that is NEFT, RTGS, IMPS, ये सब क्या है। So break for 5 minutes. The next topic is also quite simple. Fiat money bank में डाला और बैंक से हमने चेक तो इशू कर दिया काफी सारे। अब डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट है मतलब पूरी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा वॉल्यूम में जिससे ट्रांजेक्शन होता है एक आरबीआई का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस। इकोनॉमी में सभी फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं बट ये वाला फुल फॉर्म ऐसा है जो हमने याद करना है। ऐसा ही दूसरा फुल फॉर्म याद करना है आरबीआई का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी नेफ्ट। ऐसा तीसरा भी फुल फॉर्म याद करना है एनपीसीआई का इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी आईएमपीएस। तो प्लीज रिमेंबर एंड मेमोराइज दिस थ्री फुल फॉर्म्स। आगे ये एनपीसीआई नाम की अलग कंपनी है जिसने इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस बनाया। उसकी मदद से उन्होंने एक और नया प्लेटफॉर्म तैयार किया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई। ये ऐसी चीजें विजुलाइज करो एक टाइप का सपोज कोई कोड है जिसकी मदद से आप लोग ऐप बना सकते हैं। ऐसा कोड यूज कर एसबीआई ने एसबीआई बड़ी ऐप बनाया, एक्सिस ने एक्सिस पे ऐप, फ्लिपकार्ट वालों ने फोन पे ऐप बनाया। फिर एनपीसीआई ने लगा कि ये सब दूसरे वाले लोग मेरा कोड यूज करके ऐप बनाते हैं तो मैं खुद भी अपना ऐप बनाऊंगा। तो उसने भारत इंटरफेस फॉर मनी बीम ऐप बना दिया। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। इसके अलावा अदर डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में आरबीआई का ईसीएस, एनपीसीआई का नाज, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, कार्ड के अंदर वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, वो सब है। बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीजें? ये तीन चीजें और एनपीसी का बहुत खींचती है, बाकी सब चीजों में बहुत खींचती रुपए। वन बाय वन लेट अस सी द मोटिव्स। सबसे पहले ये नेफ्ट क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ लोगों के बैंक अकाउंट हो गए और वो लोग किसी एक्सिस कस्टमर को पैसा देना चाहते हैं। सपोज एसबीआई के अंदर स्टूडेंट का अकाउंट है और सामने आईएम अहमदाबाद का अकाउंट एक्सिस बैंक में, तो स्टूडेंट ने फी पे करना है, डिजिटल पेमेंट समथिंग।
ऐसा करके सपोज कस्टमर नंबर वन एसबीआई से एक्सिस में 5 लाख भेज रहा है, कस्टमर नंबर टू एसबीआई से एक्सिस में 5 लाख भेज रहा है, और ये काम सपोज सुबह 8 AM to 8:30 AM 30 मिनट्स के अंदर कुल मिलाकर 10 लाख रुपए का ऑर्डर आ गया कि एसबीआई के कस्टमर अपने बैंक अकाउंट से एक्सिस में पैसा भेजना चाहते हैं। तो दैट मींस एसबीआई ने ट्रक में पैसा भर के एक्सिस भेजना चाहिए। नाउ सपोज उसी टाइम पर एक्सिस के कुछ कस्टमर एसबीआई में पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। सपोज यहाँ पर एक बायर है और सामने सेलर है जिसका एसबीआई में अकाउंट है, सो दिस बायर वांट्स टू सेंड मनी टू सेलर, ऐसा करके 5 लाख और 3 लाख मतलब कुल मिलाकर सपोज विद इन 8 AM to 8:30 AM 8 लाख रुपए एक्सिस कस्टमर अपने बैंक अकाउंट से एसबीआई में भेजना चाहते। तो ये लोगों ने भी ट्रक में पैसा भर के भेजना चाहिए, राइट। बट ऐसा किया तो दो बाजू से ट्रक आएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, और एक्सीडेंट नहीं भी हो तो हॉलीवुड फिल्मों में जैसा दिखाता है ऐसी कोई सुपर डुपर टाइप की रॉबरी भी कर सकता है, और हर आधे आधे घंटे में ऐसा पैसा ट्रक में भर के भेजना इज नॉट अ कन्वीनियंट थिंग। सो लेट अस डू सम सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन ये है कि याद करो आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, सभी बैंकों का आरबीआई में अकाउंट है और उनका एक ऑनलाइन इकोबेयर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, तो असल में आसानी से काम हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिस को 8 लाख देने, एक्सिस वाला सॉरी 10 लाख देने एसबीआई में, एक्सिस बैंक को 10 लाख रुपए देने और एक्सिस बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 8 लाख ट्रांसफर करने। तो आपस में एक दूसरे को फिर कर दो, कुल मिला के क्या करना है फिर एसबीआई इनको प्लस 2 लाख रुपए दे दे तो बात खत्म। असल में तो एक दूसरे को देंगे तो भी नेट सेटलमेंट तो यही होने वाला है कि 2 लाख इस तरफ गेन होने वाला है। तो ये जो ऑनलाइन पूरा काम कर देंगे यहाँ पर उसे कहते हैं नेफ्ट। सो नेफ्ट इज अ सेटलमेंट सिस्टम वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर एक्यूमुलेटेड, ये 5 लाख 5 लाख करके एक्यूमुलेट हुआ 10 लाख एंड देन ऑफसेट अगेंस्ट ईच अदर, 10 लाख माइनस 8 यानी प्लस 2 लाख का गेन इस तरफ हो रहा है, एसबीआई ने सिर्फ 2 लाख रुपए इसको देने क्योंकि वो इधर 8 बेचा तो भी नेट तो ही होने वाला। सो दिस इज कॉल्ड नेफ्ट सिस्टम। इसको मैनेज कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 30-30 मिनट पर ऐसे सेटलमेंट करते हैं, 30 मिनट में जितने ट्रांजेक्शन हुए उसको प्लस करो और फिर जो एक्यूमुलेट हुआ उसको ऑफसेट करो। वैसे आप जब ऑनलाइन कमांड देंगे तो आपके बैंक अकाउंट में तुरंत स्क्रीन पर दिख जाएगा, बट एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस बैकएंड में हो रहा है जहां पर पैसा असल में सेटलमेंट हो रहा है वो 30-30 मिनट की साइकिल है। तो ये जो नेफ्ट ये कई प्रकार की सुविधा है, फैसिलिटी है, तो ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर, और ये सुविधा कौन दे रहा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वो लोग बोल रहे थे कि इस पर हम लोग ही नहीं देंगे, वी विल चार्ज सम फीस, यानी कि सपोज आपने 20,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है और आपने 20,000 रुपए एक्सिस बैंक में भेजने थे तो ऑनलाइन ये नेफ्ट सिस्टम की मदद से आप अपने एसबीआई की वेबसाइट लॉगिन करो, कमांड दो, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बट उस पर फी लगेगी सपोज 5 रुपए। वो भी क्या होगी यहाँ से, मतलब 20,000 और 5 रुपए एसबीआई आपसे कलेक्ट करेगी, 20,000 एक्सिस बैंक में जाएंगे और 5 रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे फीस के रूप में। एंड एडिशनली ये एक प्रकार की जो सर्विस फी, तो गवर्नमेंट बोलती थी कि ये तो सर्विस है और सर्विस के ऊपर हम लोग जीएसटी मांगेंगे, तो 5 रुपए जो फी भरी वो 5 रुपए के ऊपर जीएसटी भी लगता था जो गवर्नमेंट के पास जाता था, दिस वॉज सिस्टम प्रीवियसली। लेकिन फिर 2019 जुलाई में आरबीआई को लगा कि हमने डिजिटल पेमेंट को एनकरेज करना चाहिए, तो बस अमाउंट ट्रांसफर करने दो और हम सर्विस की कोई फी नहीं देंगे, फ्री कर देते हैं। तो जो बस 20,000 देने 20,000 देने, ऐसा नहीं ऊपर 5 रुपए फी भी देने या उसके ऊपर जीएसटी भी देना है। सो 0 रुपए फी और फी के ऊपर लगने वाला जीएसटी, तो फी 0 है तो 0 के ऊपर जीएसटी कितना लगेगा? 0 ही लगेगा। सो लाइक दैट नाउ यू कैन ट्रांसफर मनी ऑनलाइन और उस पर कोई खर्च अलग से नहीं आता, सो दैट इज द एडवांटेज। सो वी अंडरस्टूड द नेफ्ट सिस्टम क्या है, हर 30-30 मिनट पर सेटलमेंट होते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी को ये सब पसंद नहीं आएगा, वो ये बोले मुझे 500 करोड़ ट्रांसफर करना है अभी के अभी, वो 30 मिनट वाली गेम मुझको नहीं जमती, डोमिनो वाला भी मुझे तो 3 मिनट में पिज्जा भेज देता है, 30 मिनट तो मिडिल क्लास लोगों के लिए। अब कुछ वैसा नहीं बोलेगा बिकॉज बड़े लोग एक से ज्यादा बड़े होते वैसा कमेंट नहीं दिखाते, बट मैं पॉइंट ऐसा जो मैं क्यों मार रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि आरटीजीएस क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि इंस्टेंट सेटलमेंट। आप समझो ऐसा विजुलाइज करो कि डिजिटली ट्रक एक बैंक से दूसरे बैंक चला गया, 30 मिनट के लिए रुकेगा नहीं, नेफ्ट के अंदर 30 मिनट की बैच में सेटलमेंट होता है, इधर सिंगल वैल्यू सिंगल इंस्टेंस में सेटलमेंट तुरंत होता है, सो आरटीजीएस इज मेंट फॉर दैट। लेकिन ये मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं, इट इज फॉर बिग पीपल लाइक मुकेश अंबानी। यानी जो नेफ्ट सिस्टम था 30-30 मिनट वाला, उसमें ये शर्त थी कि एसबीआई बोलता है कि नॉट मोर देन 10 लाख रुपीज कैन बी ट्रांसफर एट वंस। सपोज आपने 15 लाख ट्रांसफर करने तो क्या होगा, पहला कमांड 10 लाख का, दूसरा कमांड 5 लाख, वेरियज इन केस ऑफ आरटीजीएस एक ही बार में 2,000 करोड़ ट्रांसफर करने तो भी कमांड दिया और पैसा चला गया। सो लाइक दैट इट इज मेंट फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन या लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन फॉर द कॉर्पोरेट कस्टमर्स, वेरियज नेफ्ट इज मेंट फॉर रिटेल या मिड वैल्यू ट्रांजेक्शन। ओरिजिनली ये आरटीजीएस पर भी फी लगती थी 25-50 रुपीज, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये वाली फी भी खत्म कर दी, तो नेफ्ट करना है आरटीजीएस करना है वो सब फ्री में होता है, उस पर कोई फी नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता। आरटीजीएस में ऐसा है कि मिनिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने तो आप कमांड दे सकते हैं, उसे छोटी रकम तो बोलेंगे कि नेफ्ट में जाओ, फिर वो सब बहुत छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में जाने की जरूरत। वन मोर थिंग, ये नेफ्ट जो है 30-30 मिनट वाला, वो पहले ऐसा था कि वीकडेज में ही चलता था, तो फिर वो जब संडे की छुट्टी होगी पब्लिक हॉलीडे तो शायद वो काम ना करे, लेकिन लास्ट ईयर से फिर ये किया गया है कि नेफ्ट इज अवेलेबल 24/7 बेसिस। वेरियज आरटीजीएस में केस ऐसा है कि वो अभी भी वीकडेज पर ही उपलब्ध है, मतलब संडे को नहीं अवेलेबल हो। ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि 2,000 करोड़ ट्रांसफर करने बैंक में कोई ऑफिसर नहीं और बड़ा कुछ पूरा है, देन दे वुड वांट टू डू इट इन द ऑफिस आवर्स। एक हद से ज्यादा एक्चुअल फिगर, एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म हमारे लिए काम की नहीं, मेन फीचर क्या है? आरटीजीएस मतलब इंस्टेंट सेटलमेंट होता है, रियल टाइम सेटलमेंट, एंड इट इज मेंट फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और दोनों ही चीज को नेफ्ट को भी आरटीजीएस को भी आरबीआई चलाती है, सो दिस इज डन। यहाँ पर भी कुछ लोगों को मॉरल आउटेज मतलब नैतिक आक्रोश आ जाता है, ये नेफ्ट अलग क्यों है, आरटीजीएस अलग क्यों है, आरबीआई दोनों को कंबाइन क्यों नहीं कर देती? आरबीआई का हो सकता है दोनों के टेक्निकल और ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म और मैकेनिज्म अलग हो, इसलिए अलग रखा हो। अगर आपको ये मुद्दा बहुत ही इतना इंपॉर्टेंट लगता है कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान क्यों है, उसको भारत में मर्ज कर देना है और कर दिया है, इतना आप पैशनेट है कि नेफ्ट आरटीजीएस को मर्ज कर देना चाहिए, वेल देन दिस इज द फॉर्म जहां पर आप आरबीआई को फीडबैक भेज सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जैसे बैंकों में बैड लोन और नॉन परफॉर्मिंग ऐसे बढ़ना की हो जाए। तो अगेन माय पॉइंट इज, देश और व्यवस्था बदलने हम लोग इधर परीक्षा पास करने आए हैं, तो बाकी सब रिफॉर्म एक्टिविज्म ऐसा क्यों है, आपको उसके कारण हो सकते हैं, बट वो हमारे काम से फिर मूव द नेक्स्ट टॉपिक। थर्ड, नेफ्ट इज क्लियर 30-30 मिनट, आरटीजीएस क्लियर, मुकेश अंबानी उसको 30 मिनट वेट नहीं करना पिज्जा के लिए, डन। थर्ड थिंग इज कॉल्ड IMPS, फुल फॉर्म याद रखना, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और इसे आरबीआई नहीं चला रहा, इसकी कंपनी अलग है NPCI। NPCI क्या है वो भी थोड़ी साइड में देखते हैं। हाउ इज दिस सिमिलर और डिफरेंट देन द प्रीवियस टू सिस्टम्स? बहुत आसान है, IMPS वो भी 24/7 चलता है नेफ्ट की तरह। IMPS में आप 1 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं, बट देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स। सपोज आपके पास सामने वाली पार्टी का सिर्फ मोबाइल नंबर है, उसका बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, तो आप सिर्फ 10,000 ट्रांसफर कर सकते, बट सपोज आपके पास उसका बैंक अकाउंट नंबर है और साथ ही साथ बैंक अकाउंट नंबर के साथ उसका IFSC कोड मतलब वो याद करो एक प्रकार से बैंक का पिन कोड, जैसे वो ब्रांच का पिन कोड ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं कि गांधीनगर मतलब कौन सा, गुजरात वाला, उड़ीसा की दिल्ली वाला, दैट इज IFSC कोड। सो इफ यू IFSC कोड यू ट्रांसफर टू लाइक, अदरवाइज मोबाइल नंबर 10,000 ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये NPCI की ये जो चीज है वो फ्री नहीं है, नेफ्ट और आरटीजीएस को हमने देखा कि फ्री मतलब फीस नहीं लगती, इधर 5-15 रुपए फी लगती है। वैसे कुछ ऐसे बैंक है जिन लोगों ने थोड़ा फ्री कर दिया कि 1,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन होगा तो फ्री में करेंगे, बट वो सब हमारे लिए इतना काम करें,
आईएमपीएस मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें बैंक वाले भी यूज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो बैंक अकाउंट में लॉगिन करके, यस। और साथ ही साथ आप पीपीआई मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबीक्विक फोन पे वो सब के अंदर भी लॉगिन करके उसकी मदद से भी पैसा इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसी फैसिलिटी। सो दैट इज एनपीसीआई। नाउ अगेन द क्वेश्चन, इसको मर्ज क्यों नहीं करते हैं, यू सेंड अ सजेशन वो करे तो बराबर, अदरवाइज रिमेंबर इट। सो हाउ डज दिस आईएमपीएस वर्क, इमीडिएट पेमेंट सर्विस काम कैसे करता है? सपोज ये लेडी ने ड्रेस मटेरियल खरीदना है ये वाले शॉपकीपर से, तो ये सबसे पहले सपोज ये लेडी का बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और उसने मान लीजिए 10,000 ट्रांसफर करना है, तो वो अपने बैंक अकाउंट में जाएगी, ऑनलाइन यूजर नेम पासवर्ड टाइप करेगी, या फिर उसके पास मोबाइल ऐप होगा, वो एसबीआई का एसबीआई पे ऐप है, एसबीआई का दूसरा योनो ऐप भी है, अलग से एनपीसीआई का भीम ऐप है, उसमें लॉगिन करें। या तीसरा उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो *99# ऐसा यूएसएसडी कोड मतलब अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस कोड, उसे बेसिक फोन माइक्रोमैक्स वाले पुराने होते हैं उसमें भी वो लॉगिन कर सकती। ऐसा करके उसके अकाउंट में सपोज 1,00,000 रुपए, तो एसबीआई को पता होगा क्योंकि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में सब लिखा होगा, तो उसमें से 10,000 रुपए एसबीआई उठाएगा और फिर वो मैसेज ट्रांसफर करेगा किसे, आरबीआई को नहीं ट्रांसफर करेगा क्योंकि इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, उसका पूरा स्विच हैंडलिंग का काम कौन करता है, एनपीसीआई। और वहां से फिर वो कमांड और पैसा जाएगा, सपोज ये शॉपकीपर का अकाउंट है एक्सिस बैंक में, तो ये लेडी ने अपने मोबाइल के अंदर या फिर डाला होगा ये वाली पार्टी का ये नंबर है, उसमें वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर एक्सिस बैंक में ये शॉपकीपर का सपोज ऑलरेडी 15,000 रुपए का बैलेंस है प्लस 10,000 ऐड हो रहे हैं, तो उसके कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का देगा हो गया उस हिसाब से 25,000 बैलेंस, तो लाइक दैट आईएमपीएस विल सेंड द मनी, और बीच में एनपीसीआई वाला उसमें 5 से 15 रुपए फीस कमाएगा। सो दिस इज वन पार्ट की जहाँ पर आप बैंक अकाउंट है उसमें से पैसा डाल सकते हैं। सपोज ये लेडी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, उसके पास एक फोन पे नाम का ऐप है जैसे बता रहा, मोबीक्विक ऐप है और दूसरे भी, उसमें सपोज उसके पास 15,000 का बैलेंस है, तो वो पैसा असल में होगा किधर? ये जो फोन पे है असल में वो फ्लिपकार्ट की कंपनी है और उन्होंने अपना बैंक अकाउंट जो मास्टर बैंक अकाउंट जहाँ उनका पैसा होगा, प्रीवियसली यस बैंक में था, फिर यस बैंक में एक स्कैम होता है जो आगे पढ़ेंगे, उसके बाद इन लोगों ने आईसीआईसीआई में पैसा ट्रांसफर किया, वो सब हमारे लिए काम का नहीं, सफिशिएंट टू नो दैट ओके फोन पे में लेडी के पास 15,000 पैसा है और फिर वो कमांड दे रही है कि ये सामने जो व्यापारी है उसका अपने देखा दुकान में वो बारकोड जैसा रखते हैं, उसको आप स्कैन करो और पैसा ट्रांसफर होता है, तो कमांड जाएगा एनपीसीआई में उधर से पैसा ट्रांसफर होगा और ये व्यापारी को उसके फोन पे अकाउंट में मिल गया सपोज 10,000, लेकिन उसको पैसा कैश में विड्रॉ करना है या फिर वो चाहता है कि मेरा जो एक्सिस बैंक में अकाउंट है यहाँ पर ये पैसा ट्रांसफर करूँ, तो वो कर सकता है हाँ, लेकिन उस वक्त फोन पे वाले बोलेंगे कि यहाँ पर सपोज 2 रुपए या जो भी उनकी फीस लगती है वो फीस लगाएंगे और फिर बैंक में ट्रांसफर करें। तो ओके लाइक दैट बैंक अकाउंट है तो भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं है तो ऐसे सब ऐप से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब इट इज द एबिलिटी टू सीमलेसली वर्क अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। एप्पल का ये एप्पल वॉच आता है, उसमें सब स्मार्ट फीचर होते हैं, अलार्म क्लॉक और ये सब सपोज, तो मोबाइल के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए आप गए तो आईफोन के साथ पेयरिंग का बटन दबाओ ब्लूटूथ से तो वो कनेक्ट हो जाएगा, यस। लेकिन सपोज आपके पास एंड्रॉइड फोन है सैमसंग या मोटोरोला कोई भी और फिर कनेक्ट का ब्लूटूथ में, तो वो ब्लूटूथ में डिटेक्ट नहीं करेगा, तो यू कैनॉट कनेक्ट विद एंड्रॉइड फोन। यानी आप क्या कह सकते हैं, ये एप्पल का जो वॉच है इट डज नॉट हैव इंटरऑपरेबिलिटी बिकॉज यू कैन सीमलेसली वर्क अक्रॉस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। दूसरा उदाहरण, आपके पास सपोज टाटा स्काई का रिमोट है, तो उसे टाटा स्काई को बटन दबाओगे तो अपना चैनल चेंज होगा, यस। उसे डिश टीवी का बटन सेटअप बॉक्स है उसको दोगे कमांड करेगा, नहीं। तो क्या बोले, ये रिमोट में इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है, और ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल आप सोच सकते हैं, बट द पॉइंट इज ये जो सब डिजिटल एप्स बन गए पेमेंट के, वहां पर ये इंटरऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम है। यू कैनॉट सीमलेसली वर्क फ्रॉम वन पे टू अनदर। सपोज आपके पास फोन पे अकाउंट है, उसमें से आपने कमांड दिया तो दूसरे वाले फोन पे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो 10,000, लेकिन वहां पर ऐसा कोई बटन नहीं होता जिसकी मदद से आप ये कमांड दे सको कि मोबीक्विक ऐप में पैसा ट्रांसफर करना है, नॉट पॉसिबल। फिर आप जानते हैं ये सब ऐसे ऐप में आप अगर मोबाइल रिचार्ज करोगे 100 रुपए का मैंने रिचार्ज करा 10 रुपए मुझे कैशबैक मिला, तो फिर आप अगर चाहिए वो फोन पे के अंदर 10 पे कैशबैक है वो मुझे मोबीक्विक ऐप में ट्रांसफर करना है, नहीं कर सकते। तो ये जो इशू है उसको लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है। यू कैन नॉट ट्रांसफर द फोन पे बैलेंस और कैशबैक पॉइंट इनटू मोबीक्विक ऐप और समदर ऐप एंड वाइस वर्सा। इसको और आगे बढ़ें, सपोज आपने इनकम टैक्स भरना है 15,000 रुपए और आपके पास फोन पे ऐप में 15,000 का बैलेंस है, तो क्या इनकम टैक्स भर सकते हो? द आंसर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो ऑनलाइन सब गवर्नमेंट टैक्स वेबसाइट, स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों का बिल, LIC जैसी सब इंश्योरेंस कंपनियों के प्रीमियम, हर जगह पर ऐसी ऐप के पेमेंट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ जगह करते हैं कुछ जगह नहीं करते। सो यू कैन नॉट सीमलेसली वर्क। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको बोला जाता है कि इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है, इट इज अ प्रॉब्लम। एंड अदर रीजन व्हाट हैपेंस इज, लुक ये सब टेक्नोलॉजी को ऑफकोर्स यंगस्टर्स विल यूज इट, बट गांव वाले सोचते हैं ये कैसे करते हैं, ये नहीं होता है, सो मेनी पीपल दे बिकम हेजिटेंट। और हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी बढ़नी चाहिए वो होने पर इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द डिजिटल इकोनॉमी, इसे फिर आरबीआई ने इंटरवीन करना पड़ा। आरबीआई कैसे इंटरवीन कर सकता है, क्योंकि आरबीआई को पावर दिया गया है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 कि जितना भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके जो भी मैकेनिज्म है, कार्ड पेमेंट ऑनलाइन या टीडीएस, जितना भी, दे कैन मेक द रूल्स। तो 2018 अक्टूबर में उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू करी कि एक ऐप से पैसा दूसरे ऐप में ट्रांसफर हो सके, ऐसा धीरे धीरे करके आप करो। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कोई बदमाशी नहीं हो, इसलिए नो योर कस्टमर गाइडलाइंस, मतलब वोटर आईडी, पान कार्ड नंबर कुछ आपने देना होगा वो कंपनी वाले। कस्टमर का पैसा गलती से कट गया तो उसकी ग्रीवांस मैकेनिज्म, मतलब आप फरियाद कर सको, उसके लिए भी मैकेनिज्म वो बनाएंगे, एंड सो फॉर दे विल डू इट। असल में वो सब क्या है, क्या क्वांटिटेटिव मिस्टेक है, कि 15,000 ट्रांसफर कर सकते नहीं कर सकते, कुछ काम का नहीं, सिंपल वर्ड एसोसिएशन याद रखना है, वर्ड एसोसिएशन हो गया भाई, कि फोन पे का पैसा फोन पे में भी जाए, मोबीक्विक में भी जाए, पेटीएम में भी जाए, एयरटेल में जाए, अमेज़न में भी जाए और वापस भी आए, वो सब कर सकते, हम कहेंगे 100% इंटरऑपरेबिलिटी है। नेक्स्ट, सेमी क्लोज्ड पीपीआई, ये क्या है? मेरे हिसाब से ये कुछ काम का नहीं, बट स्टिल न्यूज़ में रहने के लिए आरबीआई ने कुछ ना कुछ नया तमाशा करते पड़ा है। सो व्हाट इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? प्रीपेड मतलब आपको एक जमाने याद होगा मोबाइल के वाउचर होते थे प्रीपेड, आप उसको स्क्रैच करो, कोड डालो और अपने बैलेंस 100 रुपए ऐड हो गया। सो जस्ट लाइक दिस, ये अमेज़न पे, मोबीक्विक, पेटीएम, रिचार्ज, ये सब के डिजिटल वॉलेट्स होते हैं जहाँ पर आप पैसा स्टोर कर सकते हो कि मेरा 100 रुपए बैलेंस, 200 रुपए बैलेंस, ऐसा पेटीएम वॉलेट, एयरटेल मनी, फोन पे, मोबीक्विक, अमेज़न गिफ्ट कार्ड, रेलवे प्रीपेड कार्ड्स, ये सबको बोला जाता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो सपोज आपके अमेज़न पे में सपोज 1,000 बैलेंस है तो फिर आप 1,200 का माल नहीं खरीद सकते, आप सिर्फ 800 रुपया 1,000 का खरीद सकते। इन सबको भी आरबीआई रेगुलेट करता है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तो ये तो चल रहा था और इसका फायदा क्या है, ये सब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से दो काम होते हैं, एक काम होता है शॉपिंग और दूसरा होता है रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को पैसा भेजना, ये दो काम हम कर सकते थे। फिर 2019 दिसंबर में शक्तिकांत दास को सपना आ गया कि मैं कुछ करता हूँ ताकि न्यूज़ में मेरा वापस ना आ जाए, सो ये अनाउंस सेमी क्लोज्ड पीपीआई, मतलब उसमें सिर्फ ऐसा कोई नया इंस्ट्रूमेंट, सपोज हम निकाले मूनाल पे, तो ऐसा सपोज मूनाल पे निकाले सेमी क्लोज्ड पीपीआई, उसमें फीचर ये होगा कि 10,000 रुपीज़ पर मंथ लोड कर सकते हैं, उससे सिर्फ शॉपिंग ही हो सकती है लेकिन उससे हम लोग फ्रेंड या रिलेटिव को रेमिटेंस मतलब पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों लेके आए, बस उसको सपना आ गया, वो क्यों होगा, उसका टेक्निकल कारण या बड़ी कोई बात होगी, बट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द स्कोप ऑफ इट। लाइक आई सेड, इनफैक्ट ये भी पूरा कुछ काम करना है, दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस। अभी मैं स्टार्ट वाला नॉनसेंस है तो बताते क्यों हो,
इसलिए कि बहुत सारे दूसरे लोग ये विजन आई से लेके सब वो लिखा होगा, फिर कुछ होगा सर आपने वो नहीं पढ़ा है, वो पढ़ाने कुछ काम नहीं था, बट एनीवेज सो वी हैव डन दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज एनपीसीआई, उसका यूपीआई बीम वगैरह, वो एक साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा, सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स और फिर हम लोग वो बीम ऐप क्या है, यूपीआई क्या है, वो सब। All right, so break period is over. Let us move forward. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी चीज पढ़नी है, एनपीसीआई। मित्रों हम लोग पिलर 1C में देखेंगे कंपनी सेट, और कंपनी सेट के अंदर आप रजिस्टर करके अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं। ये कंपनियों के अलग अलग प्रकार होते हैं। वन इज कॉल्ड वन पर्सन कंपनी, मतलब उसमें एक ही आदमी खुद से सेटअप करता है। देन देयर कुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जहां पर 200 से 200 पार्टनर हो सकते हैं। देन देयर कुड बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जहां पर 7 से लेकर बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। देन देयर कुड बी अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी मतलब जो प्रॉफिट अगर कमाती भी है तो वापस अपने बिजनेस में लगा देगी, बट ऐसा नहीं कि वो अपने शेयर होल्डर्स को या सब ओनर्स को पैसा बाहर निकालने देगी। जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियों के उदाहरण है, एक तो जीएसटी या नेटवर्क, जो कि ये पूरा जीएसटी टैक्स कलेक्शन की मैकेनिज्म देखता है, इसके बारे में हम लोग सेकंड पिलर टैक्सेशन में देखेंगे। और एक एग्जांपल है एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो अभी हम लोग फर्स्ट पिलर में देख रहे हैं। ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियों के फायदे क्या है, उनको कुछ टैक्स के अंदर कुछ लीगल कंप्लायंस जो अकाउंट वगैरह सरकार में जमा करने होते हैं, उसमें कुछ रिलैक्सेशन यानी रियायतें मिलती है। वो सब क्या है, उनको जाने की जरूरत नहीं, वी आर नॉट हियर फॉर सी एग्जाम। ये सब कंपनियों के प्रकार अभी हैंड आउट में नहीं दिए हैं, क्योंकि वो अलग से हम लोग पिलर 1C से शेयर मार्केट कंपनी में देखेंगे। एनीवे सो दिस एनपीसीआई, वो चीज क्या एनपीसीआई, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसको ओरिजिनली एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, ऐसे कुल मिलाकर 10 बैंकों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके उसको 2008 में बनाया था। इसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है, मतलब ये सब 8 बैंकों ने 100 करोड़ देकर इसको बनाया था, बट वो सब हमारे लिए काम के नहीं। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ओके दैट इज इंपॉर्टेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी भी बोलते हैं, क्योंकि कंपनी अपने सेक्शन 8 है, वो सब हमारे काम का नहीं। तो ऐसे अलग से क्यों बनाई हुई एनपीसीआई, इसका काम ये है कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशन फॉर द बैंक्स। ये जैसे आईएमपीएस टेक्नोलॉजी उसने बनाई है, और आगे हम लोग बहुत सारी और रुपे कार्ड बनाए वगैरह, हर एक बैंक खुद से डिजाइन करने जाए तो बहुत खर्चा होगा, सो दे मेड अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा करने से इनडायरेक्टली वो फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन में भी मदद करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सब गरीब लोगों को बैंकिंग लोन वगैरह की फैसिलिटी मिले, तो इन लोगों ने बीम ऐप बनाया है, यूपीआई प्लेटफॉर्म है, उन सबसे वो सब काम कराते हैं। सो इट इज बिकमिंग एक्सेसिबल टू एवरीवन। वो कैसे, अभी आगे स्लाइड में देखते हैं। तो ये एनपीसीआई ऑर्गेनाइजेशन वो काम क्या करता है, उसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए। एक प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, वो याद करो कैसे रोमन साइन ने मुझे एक्सिस बैंक से पैसा दिया था, और फिर मैंने स्कैनर की मदद से एसबीआई वालों ने पूरा स्कैन करके चेक वापस भेजा और पैसों का सेटलमेंट। सो दैट इज चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम। फिर एक दूसरी उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी एईपीएस। इसका काम क्या है, हम लोग आगे 5 पिलर में पढ़ेंगे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हम देखेंगे एलपीजी सब्सिडी। सपोज 800 रुपए का सिलेंडर है, उस पर मान लीजिए 200 रुपए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देना चाहती है, तो 800 रुपए से आप सिलेंडर खरीदो, 200 रुपए गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगी। तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा आपका बैंक अकाउंट है, वो सबको आधार कार्ड के साथ लिंकअप किया है, और फिर आपका आधार कार्ड नंबर एलपीजी सप्लायर के साथ लिंकअप किया होगा वगैरह। सिमिलरली बच्चों को स्कॉलरशिप का पैसा, फिर हम लोग 6 पिलर में पढ़ेंगे मनरेगा स्कीम है, जहां पर गरीबों को 100 दिन के लिए काम देते हैं। इन सबका पैसा बेसिकली योर बैंक अकाउंट इज लिंक विद आधार कार्ड, आधार कार्ड इज लिंक विद सम बेनिफिशियरी डेटाबेस एंड मनी ट्रांसफर टेकिंग प्लेस। ये पूरी जो सीमलेस कनेक्टिविटी है, उसका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम वो एनपीसीआई ने बनाया। मतलब एक तरफ आप समझ सकते हैं आधार नंबर वो यूआईडीआई नाम की संस्था ने बनाया होगा, और एक तरफ सपोज आपका बैंक का खाता एसबीआई में, तो दोनों से डेटा कनेक्ट करने के पैसा का ट्रांजेक्शन अप्रूव करा, वो सब काम कौन देखता होगा, ये एईपीएस प्लेटफॉर्म। थर्ड इज नेशनल फाइनेंशियल स्वीट यानी एनएफएस। एनएफएस का काम यह है कि सभी एटीएम मशीन को बैंकों के साथ कनेक्ट करता है, वो पूरा सर्वर टाइप की चीज है। अब आप समझ सकते हैं ऐसी सब टेक्नोलॉजी एक एक बैंक एसबीआई अलग से करे, एक्सिस अलग से करे, तो बहुत सारा खर्चा आएगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, हर एक अलग से बनाने की जरूरत है, तो देयरफॉर दे डिजाइन कॉमन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, ये एनपीसीआई ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी बीबीपीएस भी बनाया है। उसका काम यह है कि मेरे आपके जैसे लोग, सपोज आप अमेजन में लॉगिन करो, उसमें अमेजन पे होता है, उसकी मदद से आप फोन बिल, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सब आपको कुछ कैशबैक पॉइंट वगैरह मिलता है। तो अमेजन पे को कैसे पता चला किसका बिल है, और कहां से पैसा किसको देना है, कौन सी कंपनी को? बैकएंड में उन्होंने कनेक्टिविटी ली है एनपीसीआई की बीबीपीएस प्लेटफॉर्म के साथ, और बीबीपीएस ने सब रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, सम अदानी गैस कंपनी, उन सबके साथ टाइप किया, एंड दे आर डूइंग द ट्रांजेक्शन। सो दैट इज द प्लेटफॉर्म। आरबीआई का अलग से ऐसा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ईसीएस प्लेटफॉर्म है, बट आजकल वो इतना फेमस या पॉपुलर नहीं। एनीवे सो बेसिक आइडिया सफिशिएंट बीबीपीएस किसका है, एनपीसीआई का। सिमिलरली देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म बाय एनपीसीआई जिसका नाम है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी नाच। नाच का काम ऐसा है, सपोज मुकेश अंबानी मुंबई में बैठे हैं, और आप जानते हैं कि जियो स्टोर, प्रीपेड रिचार्ज के जितने स्टोर हैं, तो वो तो भुवनेश्वर में भी होगा, वो तो दिल्ली में भी होगा, हर जगह के इलेक्ट्रिसिटी बिल होंगे,
राइट, हर एक दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, तो मुकेश अंबानी के 10 जगह पर लॉगिन करके करेगा नहीं, वो बस बल्क में एक बार कमांड दे देगा कि सब एम्प्लॉइज का सैलरी कर दो, सबका इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दो दुकानों का। तो ऐसा बल्क मंथली पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, डिविडेंड मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो उसमें से शेयर होल्डर को प्रॉफिट का जो हिस्सा देना है, डिविडेंड, एम्प्लॉइज सैलरी, एम्प्लॉइज पेंशन, इंश्योरेंस प्रीमियम सबके कलेक्ट करके देने हैं, सपोज रिलायंस के सभी एम्प्लॉइज का एलआईसी में उसने इंश्योरेंस करवाया तो सबका एक साथ प्रीमियम भरेगा वगैरह, ये सब करने के लिए नाच प्लेटफॉर्म है एनपीसीआई का। तो अलग अलग करके हमने एनपीसीआई की चीज देख ली, आधार इनेबल पेमेंट, भारत बिल पे, नाच प्लेटफॉर्म, एनएफएस जिसे एटीएम चलता है, सीटीएस चेक क्लियरेंस के लिए देख लिया। अब दी अदर पार्ट्स दैट इज बीम, यूपीआई, आईएमपीएस, ये एक साथ देखने हैं। आईएमपीएस तो हमने समझ लिया ये करप्ट था नेफ्ट, लेकिन नेफ्ट 30 मिनट में काम करता था, आईएमपीएस इंस्टेंटली काम करता है, और ये भी स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए, आरटीजीएस मुकेश अंबानी के लिए। सो दैट वाज दैट। फिर एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म बना, ये कैसा विजुलाइज कर सकते, एक प्रकार का ऐसा कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से ऐप बना सकते हैं, यूपीआई से हम लोग ऐप बना सकते हैं। तो यूपीआई प्लेटफॉर्म हेल्प्स डेवलपिंग द एप्स फॉर बैंक्स एंड टेक्नो कंपनीज लाइक फोनपे देख लो, मोबीक्विक देख लो, सबने सॉफ्टवेयर कॉड यूज किया, बैक में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसका, यूपीआई का। सो इट कैन मेक द एप्लीकेशंस फॉर मनी ट्रांजेक्शन, लेकिन वहां पर जो असल में पैसा ट्रांसफर होता है उसकी सिस्टम क्या है, वो तो आईएमपीएस के जरिए ट्रांसफर होता है, जो हमने आगे साइड में देखा कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर पैसा, इट इज लाइक एक्सिस पे, वो बना किस पर है, जो है यूपीआई, एक्सिस में जब आप कमांड देते पैसा ट्रांसफर करो तो वो किस पर चलता है, आईएमपीएस पर। दोनों को साथ में मर्ज क्यों नहीं करते थे, भाई ये पैसा ट्रांसफर करने की चीज है, ये यूपीआई चीज है, वो ऐप बनाने की चीज है। नेक्स्ट, सपोज आपका बैंक में डिपॉजिट अकाउंट है, अब ये डिपॉजिट अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट, इनमें क्या अंतर है वो हम लोग पढ़ेंगे बट नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स में। अब अभी समझिए कि यूपीआई टाइप का अगर ऐप ना हो, इससे पहले भी हर एक कंपनी अलग अलग अपनी ऐप बनाती थी, लेकिन उसमें यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो वो ऐप कुछ ऐसे बनते थे, सपोज देयर इज सम, लेट अस से मोबीक्विक के अंदर यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो प्रॉब्लम ये था कि पहले आपने 100 रुपीज अपने सेविंग अकाउंट से ये मोबीक्विक के वॉलेट में लोड करने पड़ते थे, और फिर वहां से सपोज आपने 90 रुपीज ट्रांसफर किए कि मैंने कहीं पर पिज्जा खाया और वो सेलर को मिल गया, अब आपके 10 रुपए बचे उसका क्या करोगे, अगर आपने वापस उसको सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना होता तो उसको ये मोबीक्विक वाली फीस मांगते या मना कर देते, लाइक देयर वर मेनी कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज दे डिड नॉट हैव द यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, बट नाउ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब आसान है, अब जो सब ऐप बनते हैं उसमें यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, इसका फायदा ये है कि पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही रहता है, तो सपोज बैंक अकाउंट में आपके 10,000 रुपए हैं और आपने पिज्जा कहीं पर है 90 रुपीज का, तो वो 90 रुपीज इधर से कट करेगा, ऐसा नहीं कि आपने वॉलेट में पहले लोड करना है फिर वॉलेट इधर जाएगा बचा इसमें वापस करना है, तो मनी स्टेज इन योर बैंक अकाउंट, तो उस पर बैंक आपको जानते हैं आप सेविंग करेंगे तो उस पर सपोज 4-6% आपको ब्याज मिलता रहेगा, तो यूजर को भी बेनिफिट है डायरेक्टली द मनी ट्रांसफर टू सेलर फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। तो बीच में जैसे कि ऊपर ओवरहेड टंकी आपका सेविंग अकाउंट है उसमें से बाल्टी में पानी भरता वॉलेट में और फिर उधर से टम्बलर में पानी आता है, ऐसा इधर से टंकी का पानी आपको मिला है, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूपीआई बेस्ड एप्स। अब शुरू शुरू में उन्होंने लॉन्च किया वो प्लेटफॉर्म था यूपीआई 1.0 में फीचर ये था कि बैंक के करंट अकाउंट, बैंक के सेविंग अकाउंट को सीधा लिंक कर दिया तो वहां से पैसा ट्रांसफर कर सकते थे, बीच में कहीं कोई डिजिटल वॉलेट में पैसा स्टोर किया वो सब प्रॉब्लम नहीं थी, फर्स्ट फीचर। सेकंड, पुश ट्रांसफर कर सकते थे, धक्का मारना, धक्का कितना मारेंगे, सपोज आपके पास सैलरी आई 15,000 और आपने अपने पेरेंट्स को 5,000 रुपए भेजने, तो आप धक्का मारे, दैट इज कॉल्ड पुश ट्रांजेक्शन, पर्सन सेंडिंग रेमिटेंस एंड अदर थिंग्स टू पेमेंट, पॉसिबल है सामने पुल ट्रांजेक्शन भी पॉसिबल है, सपोज आपने अपनी रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बोल दिया कि हर महीने मेरे बैंक अकाउंट से पैसा काट लेना भी, तो वो क्या करें, लाओ लाओ लाओ, जैसे पुल ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। देन देयर इज फीचर ऑफ बिल शेयरिंग अमंग द फ्रेंड्स, 100 रुपए का बिल आपको आपस में कॉन्टैक्ट में डिटेल शेयर करो वगैरह, पैसा कर सकते हैं। देन देयर इज अ फीचर क्यूआर स्कैन एंड पे, आप जानते हैं वो फोटो से आपने स्कैन किया और फिर आप कस्टमर शॉपकीपर को पैसा ट्रांसफर करते हैं, सो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ यूपीआई 1.0। फिर 2018 में नई चीज आई यूपीआई 2.0, तो कुछ और नए उसमें फीचर डाले, विंडोज 7 से विंडोज 10 तक, अलग से कौन से नए फीचर है ऐसा तैयार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया 2021 में हमारा टारगेट क्या होगा, अब 2019 की अपडेट होनी चाहिए, लेकिन ये कंटेम्पररी टॉपिक है तो हमारे कान में पड़ा होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज उसमें होती है, दीज आर द फीचर्स ऑफ यूपीआई। तो एक यहाँ पर फीचर है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल, मतलब आपके बैंक अकाउंट में सपोज 10,000 रुपए हैं और यूपीआई वाला ये ऐप बना एक्सिस पे, उसे आप पैसा ट्रांसफर करना है, बट आपको सपोज 15,000 ट्रांसफर करना है, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, -5,000, मतलब एक प्रकार से बोरो कर रहे हैं और फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, ये सब उसमें फैसिलिटी अवेलेबल है, दिस इज वन थिंग। सेकंड, एस्क्रो मैकेनिज्म, एस्क्रो मैकेनिज्म का एक उदाहरण अब तो भारत में एक्टिव नहीं है, ebay.in नाम की शॉपिंग साइट, उसमें फीचर ये था सपोज आपने 300 रुपए की कोई माल खरीदा, तो ऐसा नहीं कि ईबे उसको तुरंत शॉपकीपर को या सेलर को दे देगा, नहीं, वो अपने बैंक अकाउंट में रखेगा, शॉपकीपर आपको जो भी सपोज मोबाइल कवर है सेंड करेगा, फिर आप कमांड देंगे यस आई एम सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, तभी ईबे उसको पैसा ट्रांसफर करेगा, तो ये चीज को बोला जाता है एस्क्रो, मतलब एक तीसरी पार्टी उसको रखे अपने पासवर्ड अल्टीमेटली ट्रांसफर करे अंटिल द सेलर डिलीवर द प्रोडक्ट, मनी रिमेंस लॉक्ड इन, ऐसी उसमें फीचर हो सकती है। देन यूजर मैंडेट, सपोज डिश टीवी है या जिम में आप जाते हैं और फिर मैं फ्यूचर डेट में इतने दिन में आप उसके बाद कट करना पैसा वगैरह, ऐसे आप कमांड दे सकते, जो भी बिल है उसका इनवॉइस बिल आपके ऐप के इनबॉक्स में आ जाएगा। क्यूआर ऑथेंटिसिटी चेकर, मतलब शॉपकीपर ने ऐसा बोर्ड लगाया है तो सच में वो उसी का बोर्ड है, उसका मालिक कौन है वगैरह की आपको चीजें जानकारी मिले। लेकिन ये सब फीचर ऐसे मेरे को बहुत ज्यादा इसमें डरने की जरूरत नहीं, अगर 3-4 स्टेटमेंट पूछे ज्यादा फीचर अवेलेबल, ऊपर ऊपर चंदा जाना ऐसा होता है, इनसाइड दैट वो कैसे काम करता है, वो गली खोल के हमने उसके सब बैल देखने की जरूरत नहीं। ये सब के अंदर से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, अक्षर, नवनीत, सोनू, गौरव, शिवाय, सईद, फरहान, वेंकटेश, पायल, सचिन, आशीष, शिल्पी, मनीष, ऋत्विक, आशना, किंजल, शुभम, कुलदीप, निशा, आरती, अपूर्व, किया, व्लादिमीर पुटिन, तो यूजर नेम आपने अपने नाम से रखना चाहिए, आपने लिखा व्लादिमीर पुटिन, तो आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सेलेक्ट हुए, अंकुश, सूरज वगैरह ने सही जवाब दिया है। देन निखिल, जबीन खान, अरिजीत, नोमान, वैभव, अंकिता, अपूर्व, अभिमन्यु, आदित्य, महिमा, तो कांग्रेचुलेशन, इसमें इन लोगों के 4-5 एमसीक्यू करेक्ट हुए, तो वेरी नाइस। तो प्रश्न की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसके आने से व्हाट आर द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस, आपने बीरबल की खिचड़ी के बारे में
कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी तो अभी बता देता हूँ। बिल्कुल ऐसा करा कि उसने आग इधर जलाई और हांडी खिचड़ी इधर लगाई और वो सोचता है कि अब खिचड़ी मेरी पक जाएगी, कैसे पकेगी, इतनी सारी स्पेस है, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज द हीट इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसफरिंग। अब ऐसी कुछ बात है, भारत में आप देखिए मेंस पेपर वन उसमें क्या इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, तो भारत में न्यूक्लियर फैमिलीज विभक्त कुटुंब बढ़ रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दो रहते हैं, माँ बाप कहीं और रहते हैं एंड बोथ हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग, उनके पास सैलरी ज्यादा है, पैसा खर्च करने के लिए ज्यादा है। ये मिलेनियल मतलब नई पीढ़ी के लोग उनका वैल्यू सेट डिफरेंट है, वो शॉपिंग मतलब देसी शॉपिंग एज अ स्ट्रेस कॉपिंग, बस मेरा स्ट्रेस बढ़ गया मैं शॉपिंग करता हूं, तो लॉन्ग टर्म सेविंग करूं अपने बच्चों के लिए पैसा बचा के जाऊं, जो भावना आपके पेरेंट्स में है शायद उतनी आपकी पैसा बचाने की माइंडसेट मिलेनियल्स की नहीं। सो दिस क्रेडिट कार्ड, ईएमआई कल्चर, नेफ्ट, ई बैंकिंग, पेटीएम, ये सब बढ़ रहा है, वो बात तो है, ये पूरी ग्लोबलाइजेशन अमेरिकन टाइप ऑफ थिंग्स आर एंटरिंग इन इंडिया। अब ऐसा देखते हुए क्या हम कह सकते हैं इंडियन पब्लिक इज बिकमिंग शॉपाहोलिक, खरीदारी शॉपिंग बहुत पसंद है, हां बोल सकते हैं। अब ऐसा देखकर जेफ बेजोस कौन है, अमेज़न कंपनी का मालिक, तो वो भारत में आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करवाते हैं, करेक्ट। फिर उसको लगता है कि मैं ये बिग बाजार नाम का एक ऑफलाइन स्टोर है उसमें भी मैं पार्टनरशिप ले लेता हूं, ताकि जिसको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं और कपड़े वगैरह खरीदना हम सोचते चलो इधर जाकर ट्राई करते हैं, तो उधर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में और पिलर में आराम से पढ़ेंगे। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स अराउंड 70% से ज्यादा शेयर होल्डिंग कोई विदेशी पार्टी भारत की कंपनी में ले लेती है, एफडीआई। नाउ द क्वेश्चन स्टेटमेंट उसमें ऑप्शन में ये दिया है, यूपीआई विल रिजल्ट इन ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये कैसी बात है कि कब पब्लिक यूपीआई वाले ऐप इंस्टॉल करेगी, कब जाकर शॉपिंग करेगी, कब जाकर जेफ बेजोस को लाइक होगी और कब जाके वो एफपीआई लेके आए, तो वो सब ऐसी बात है कि वो धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि इट विल रिजल्ट इनटू दिस थिंग, यस इट कैन हेल्प इन सम वेज बट नॉट डायरेक्टली लीडिंग इनटू कुकिंग ऑफ द चिल्ड्रन। अनदर कांसेप्ट वो तो हमने देख लिया कि यूपीआई वाले ऐप का फायदा क्या, जैसे एसबीआई बड़ी या एक्सिस पे या कुछ, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में सुरक्षित है, वहां पर उसको जो भी 4-7% इंटरेस्ट मिलता है मिलते रहेगा, फिर वो आप सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। बिना यूपीआई वाले ऐप में प्रॉब्लम क्या था, पहले डिजिटल वॉलेट में पैसा स्टोर होता था, फिर उससे नीचे जाता था, जो पैसा बच गया वापस डालना है तो फी लगती थी वगैरह। सो नाउ वी नो द थिंग्स, सो ऑब्जर्व मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटिंग यूपीआई। पहला, एफडीआई इनफ्लो विल ड्रास्टिकली इंक्रीज, ये बिल्कुल किसी वाली बात है कि कब जाके होगा, तो इट इज नॉट डायरेक्टली, दिस इज सम ग्रेट थिंग कि तुरंत हो जाए। डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस फिजिकल करेंसी इन जस्ट 2 decades, 20 सालों में कागज की मुद्रा बचेगी नहीं, ये अतिशयोक्ति या हाइपरबोल कह सकते हैं, ये भी अनलाइकली टू हैपन। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी टू पुअर पीपल बिकम वेरी इफेक्टिव, सीधा गरीबों के खाते में पैसा जा सकता है, तो उसके लिए आधार कार्ड के साथ सबका नंबर लिंक, सबका अंगूठा लगाया, उसका रजिस्टर में नाम है, गरीब है कि नहीं, बहुत सारी और एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ये सीधा सब कुछ नहीं करेगा, तो अगेन नॉट डायरेक्टली लुकिंग। तो फिर जवाब बचाओ, क्या मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट, वो बात सही है, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, बीच में कोई वॉलेट जैसी चीज में पैसा स्टोर नहीं होता। सो दैट वाज गोइंग ऑन, सपोज मेरा की मिला जी gmail.com, सपोज दूसरा मोबाइल हॉटमेल .com और तीसरा आईडी मेरा मोबाइल yahoo.com, तो पहले क्या करना पड़ता था, तीन अलग अलग वेबसाइट gmail.com, hotmail.com, yahoo.com में जाके चेक करना, बट नाउ इट इज वेरी इजी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आउटलुक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आप तीनों अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, तो हर बार फिर ऐसा ही तीन वेबसाइट जाना, इधर आपको तीनों के तीन ईमेल वो कलेक्ट करके दिखा देगा, ऑल द इनबॉक्सेस कैन बी चेक, नो नीड टू लॉग इन सेपरेटली टू इंडिविजुअल वेबसाइट्स। अब ऐसा ही ख्याल NPCI को आता है कि हमने ये यूपीआई प्लेटफॉर्म तो बनाया, जिसे SBI वालों ने SBI बढ़िया बनाया है, एक्सिस वालों ने एक्सिस पे बनाया, बट हर एक का अलग से ऐप आपने इंस्टॉल करना पड़ता था कि SBI का अलग, एक्सिस का अलग, क्यों ना मैं खुद से ही अपना एक आउटलुक जैसा ऐप बना दूं कि जहां पर हर एक बैंक का काम एक जगह पर इधर मेरे ऐप में हो जाए, सो दैट इज जैसे आउटलुक ऐप ऐसा हो गया DMAP। तो NPCI उसने अपनी UPI इंटरफेस की मदद से DMAP बनाया, दैट इज भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप, 2016 में लॉन्च करते हैं, और उसमें भी जो बैकएंड में ऐप का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो UPI इंटरफेस से बना है। ये ऐसी चीज है जिसको नॉन स्मार्टफोन में भी यूज कर सकते हैं *99# करके, और यहां से सीधा बैंक टू बैंक ट्रांसफर, और सब फीचर है, ये फीचर जरा समझते हैं, इट इज सिंपल पासिंग, तो ठीक है बराबर। ये आपने जो BIM ऐप इंस्टॉल किया उसे पैसा सेंड कर सकते हो, यस, पैसा रिसीव कर सकते हो, यस, कहीं पर उसका बॉर्ड लगा और स्कैन एंड पे कर सकते हो, यस, और इसमें क्या है, SBI का अकाउंट ऐड करो, HDFC का, ICICI, एक्सिस, तो आउटलुक में जैसे जीमेल, हॉटमेल और बच्चे अकाउंट ऐड कर सकते हैं, इधर भी एक ही ऐप में सब बैंक के अकाउंट हम लोग खोल सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस, UPI टेक्नोलॉजी की मदद से सपोज HDFC ने अलग से ऐप बनाया होता तो उसमें मेरा यूजर आईडी होता कुछ @HDFC, एयरटेल वालों ने अलग से ऐप बनाया बट उसमें आईडी ऐसा 92 करके जो भी फोन नंबर है अपना, SBI का तीसरा @SBI समथिंग, चौथा कुछ समथिंग, वेरेज ये जो BIM ऐप है उसमें ऐसा नहीं, उसमें सिर्फ ये होगा @UPI, और फिर बैकएंड में आप जो भी बैंक अकाउंट है उसके साथ उसको लिंकअप कर सकते हैं, यहाँ पर भी कोई वॉलेट जैसी सिस्टम नहीं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा रहता है और उधर से ट्रांसफर होता है, तो इट कंटिन्यूस टू जनरेट इंटरेस्ट, आपको ब्याज कमाने को मिलता है, इट इज नॉट स्टोर्ड आउटसाइड द बैंक इन सम वॉलेट जैसा कि पहले फोन पे मोबीक्विक वगैरह में होता था। तो दैट इज BIM ऐप। स्वीडन ने भी एक ऐसा ऐप बना जिसको बोलते हैं स्वीज ऐप, जिसकी मदद से उनको कैशलेस 100% हो जाना था, वो हुआ कि नहीं काम करने, बट हाँ वो ऐसे सब प्लान बनाते रहते। इधर से प्रश्न पूछा गया अबाउट द BIM थिंग, यामिनी, आर्यन, सुजीत, रिचा, निहारिका, वरुण, आयु, शुभंकर, अमृता, तन्वीर, वसीम, विकास, आशीष, हार्दिक, अर्पित, अंशुका, सोनिया, हरिओम, चिंतय, हरमन, अंकित, हिमांशु, दीपक, नवाजीश, अंजलि, वैभव, अरजीत, अंकिता, अपूर्व, अभिमन्यु, आदित्य, कार्तिक, याग्निक, ज्ञानदीप, सचिन, अनदर्स, 5-6 आपके करेक्ट हो रहे हैं। 2018 में पूछा गया BIM के बारे में, फाइन करेक्ट स्टेटमेंट्स, BIM अलाउ द यूजर टू ट्रांसफर मनी विद एनीवन विद अ UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट, हाँ वो तो बात बराबर। तो एवरीथिंग बॉयज डाउन टू द सेकंड स्टेटमेंट कि उसमें कितने फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है, अब ये वाली चीज तो मैंने आपको पढ़ाई नहीं, अभी तो नहीं पढ़ाई बराबर। इवन इन 2018 जब ये टॉपिक चल रहा था तो ये इतना कोई बहुत हॉट टॉपिक नहीं था, ये वाला एक आध न्यूज़पेपर आर्टिकल हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में सिर्फ एक बार देखने को मिला, तो इवन इन द अदर करंट अफेयर नोट या कोचिंग वाले नोट में कहीं पर इसका जिक्र था ही नहीं, तो रियल एग्जाम में पूछा जाए तो क्या करना था इसको, यू कुड हैव स्किप्ड इट और यू कुड हैव ट्राइड सम 50-50। अभी तो आज के क्लास में हम 60% करेक्ट आंसर टिक कर दिया, बट दैट शोज़ कि शायद पुरानी बैच के स्टूडेंट है या वो ऐसे लोग जो पहले एडवांस में पूरा हैंड अप पढ़ के आए हैं, बट एनीवे सपोज आप इसको टिक नहीं कर पाए तो नो नीड टू वरी, क्योंकि रियल एग्जाम में अगर पूछा जाता तो ये करना मुश्किल था। एनीवेज बट बिकॉज UPSC आज एक बार पूछा जाए तो हमें आगे रखनी चाहिए कि अपने नोट्स अपडेट कर लेने चाहिए, तो मैंने समझ के नोट्स अपने अपडेट कर दी। अब इस टॉपिक को समझते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट, इसमें कोई शंका नहीं, BIM अलाउ ट्रांसफर द मनी विद एनीवन विद बैंक बराबर।
तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन की फर्स्ट स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो या तो जवाब होना चाहिए ये या जवाब होना चाहिए सी, उसका बी या डी तो जवाब हो नहीं सकता। सो नाउ वी आर एट द 50-50 स्टेज, एवरीथिंग डिपेंड्स कि ये फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। जब भी ऐसी परिस्थिति हो कि आपने दो स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया, देन इट इज अ सिचुएशन कि बस अब कुछ भी टिक कर दो, डू नॉट स्किप दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर या तो आप ए या सी कुछ भी टिक कर दो, या आंख बंद करके टिक कर दो, या सिक्का उछाल के टिक कर दो, जो भी आपको दिखा। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आपने सिक्का उछाल के टिक किया 50% चांस की करेक्ट होगा और आपको +2 मार्क मिलेंगे, 50% चांस है कि गलत होगा तो -0.66 मार्क कट हो जाएंगे। सपोज अगर आप ऐसा 10 प्रश्नों में करते हैं कि जहां पर चार ऑप्शन थे आपने उसको श्रिंक करके सिर्फ दो ऑप्शन में आप रह गए, यू एलिमिनेटेड टू ऑप्शन, नाउ यू हैव ओनली टू ऑप्शन, ऐसी परिस्थिति आपके पास 10 क्वेश्चन में, हर जगह अगर आप सिक्का उछाल के तय करें, सपोज कि हेड है तो मैं एक टिक करूंगा, टेल आया तो मैं बी टिक करूंगा, व्हाटएवर, तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि ऐसा करने पर देयर इज अ चांस कि गलत हुआ तो -66 गए, राइट हुआ तो +2 आया, करते करते आपकी प्रोबेबिलिटी है कि कुछ आपका पॉजिटिव स्कोर बन जाएगा। ऑफकोर्स किसी का नसीब इतना खराब हो तो हर जगह उसका 0-0-0 भी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी इज दैट यू मे गेन सम मार्क्स। तो ये जो इसको देखकर सब टॉपर्स अपनी टिक मास्टर स्ट्रेटजी अपनाते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा बट देयर कुड बी सम न्यू स्टूडेंट जिनको नहीं पता, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं। 2017 प्रीलिम का पेपर निकालते हैं, 42 इजी क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे जो एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम रेगुलर सोर्स से पूछे थे, 23 मीडियम क्वालिटी के, मतलब न्यूज़पेपर का कुछ पूछा, दो तीन स्टेटमेंट पूछा जिसमें एक पता है कम को नहीं पता ऐसा कुछ, एंड 35 टफ की कभी पांच जन्म में सुने नहीं हुए ऐसे क्वेश्चन, एंड टोटल देयर वर 100 क्वेश्चंस। अभी टॉपर्स और सीनियर प्लेयर जो काफी की तैयारी करके जाते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है? ये जो इजी क्वेश्चन है उसमें तो मेरा कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए, बट सपोज स्टिल रियल एग्जाम में एक प्रश्न या दो प्रश्न हमको याद नहीं आते, बट ऐसा करके भी उनके मान लीजिए 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वो सब सही हो जाते हैं, तो 40 × 2 उनके 80 मार्क हो गए। फिर यहाँ पर ये 23 मीडियम 35 टफ, मतलब कितने 58 क्वेश्चन, हर जगह पर चार ऑप्शन होंगे ए बी सी डी। अब ये लोग ऐसा करेंगे कि कुछ ना कुछ करके एक दो ऑप्शन एलिमिनेट करें, तो जब दो ऑप्शन बचते हैं तो 50-50 एलिमिनेशन स्टेज पे फिर कुछ भी टिक कर दो। ऐसी स्ट्रेटजी से सपोज ये 58 क्वेश्चन है उसमें से उन्होंने 50 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए कि दो ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, मैं आपको टिक करता हूं, तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बोलती है कि आउट ऑफ द 50 क्वेश्चन 25 करेक्ट होने चाहिए, तो वहां पर -2 मार्क के हिसाब से उसको 50 मार्क मिलेगा, बट सामने 25 क्वेश्चन रॉन्ग भी चले जाएंगे तो वहां पर -0.66 के हिसाब से 16 मार्क माइनस भी हो जाएंगे, बट फिर भी नेट तो कुछ गेन नहीं मिलता है, आप समझते हैं। एंड अल्टीमेटली व्हाट विल बी द स्कोर? +80 +50 -16 वो आएगा अराउंड 113 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स, क्योंकि एक प्रश्न के 2 मार्क्स, 100 प्रश्न के 200 मार्क्स, बट कितना था 2017 में अराउंड 105 मार्क, तो मतलब इसका आराम से प्रीलिम क्लियर। सो लाइक दैट दे डू द थिंग्स, यहां पर समझना ये कि अपना ये इजी में कुछ बहुत मिस नहीं होना चाहिए और ये वाले में कुछ ना कुछ करके आधा एलिमिनेट करें, वो भी अच्छी बात है, पूरा आइंस्टाइन नॉलेज जमाने का। एंड थर्ड थिंग, अब देखिए कि इवन आफ्टर सो मच प्रिपरेशन इसने 10 क्वेश्चन छोड़ने पड़े, यहां पर 40 अटेम्प्ट के मतलब दो इजी उसने छोड़ने पड़े और इधर 58 में से उसने 50 अटेम्प्ट के मतलब यहां पर 8, तो इजी 8 तक उसने भी छोड़े, ऐसा नहीं कि वो 100 में से 100 टिक करके गया। कई बार ऐसे एनवायरनमेंट में आर्ट कल्चर इकोनॉमी में अतरंगी प्रश्न आते हैं जो कभी हमने सुने नहीं हो और जहां पर एबीसीडी में हम लोग 50-50 भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो वो क्या करना है उसको स्किप करो, डोंट मेक इट सम टाइप ऑफ ईगो इशू कि मैं 100 में से 100 टिक करूंगा। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप अपना 90% टाइम ऐसे 10% ऑफ क्वेश्चन देख के फिर उसी में लगाते, क्योंकि ये जो कट ऑफ होते हैं प्रीलिम्स के बस उसको हमें क्रॉस करना है, तो इजी मीडियम से क्रॉस हो जाए, ये वाला हमने पेड़ का सेब तोड़ना नहीं, और प्रीलिम के मार्क फाइनल रैंकिंग में काउंट नहीं होते। एनीवेज कमिंग बैक, ये जो प्रश्न था कि बीम के अंदर कितने फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं वो तो हमने पढ़ाई नहीं, असल में किसी कोचिंग क्लास वाले ने उसको कवर किया नहीं था खास, क्योंकि ये सिर्फ एक बार 2017 में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में उन्होंने कहीं पर एक टेक्निकल आर्टिकल छापा था ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स। बेसिकली द थिंग इज लाइक दिस, ये जो बीम ऐप है उसमें 3 फैक्टर होते हैं, पहले भी फैक्टर मतलब जीमेल में कितना फैक्टर होता है, ट्रेडिशनली जीमेल में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है कि आपका पासवर्ड, लेकिन कुछ लोग आप उसमें 2 फैक्टर कर सकते हैं, 2 फैक्टर मतलब पासवर्ड डालो फिर आपको 1 time पासवर्ड मोबाइल में आया SMS वो भी डालो तो 2 बार आपका चेकिंग हो गया, ऐसा बीम में 3 बार चेकिंग हो सकता है। पहला कि जब आपने उस ऐप को इंस्टॉल किया तो आपका जो मोबाइल डिवाइस है उसका जो भी डिवाइस आईडी IMEI नंबर या फोन नंबर उसके साथ वो टाई हो जाता है, तो मतलब बीम एप्लीकेशन जो आपने अपने मोबाइल में डाला तो एक ही आप दूसरे मोबाइल में वही वाले अकाउंट से आप खोल नहीं सकते, इट कैन वर्क एट 1 प्लेस एट 1 time ओनली, सो दिस इज 1 कि वो लॉक हो गया आपके फोन के साथ। दूसरा आप वो ऐप खोलने के लिए भी वहाँ पर पिन कोड डाल सकते हैं, सपोज 1234, तो वो आपका दूसरा फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन हो गया। और तीसरा जब आप पैसा ट्रांसफर करने का कमांड देंगे तो बैंक वाले आपको एक SMS भेजेंगे कि ये वाला पासवर्ड आप उसने डालो 1 time पासवर्ड OTP नंबर, तो वो गया तीसरा फैक्टर। सो लाइक दैट बीम हैज की व्हाट ऑथेंटिकेशन फैक्टर, 3 नहीं होते 300 होते तो क्या फर्क पड़ता, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर वंस UPSC आज तो हमने अभी जान लिया क्या ऐसी चीज थी। उसके सामने ये जो कार्ड होते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड साइड में देखेंगे वहाँ पर कितने ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स, वहाँ एक तो फैक्टर होता है कार्ड इटसेल्फ, उसमें ऐसा कुछ चिप लगा होता है मशीन में आप डालोगे तो वो उसको वो आइडेंटिफाई किया ये मुनाल का कार्ड है, सो दिस इज फर्स्ट थिंग। फिर वो वेटर आपको बोलेगा सर आप इसमें अपना पिन कोड डालो, तो सपोज मैं अपना पिन कोड डालो 1234, तो ये सेकंड कि हाँ ये मुनाल का कार्ड है और उसको पता है उसका पिन कोड क्या है, तो ये हो गए 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, सो कार्ड हैज 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो कमिंग बैक अपना प्रश्न, पहला स्टेटमेंट बराबर बैंक अकाउंट ट्रांसफर करता है, सेकंड स्टेटमेंट अ चिप बेस्ड डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, 4 नहीं 2 ही फैक्टर कि उसकी जो कार्ड में ये चिप है वो मुनाल की चिप और फिर मुनाल ने पिन कोड डाला 1234, तो हो गए 2 फैक्टर कार्ड एंड द पिन कोड, तो इट इज 2 फैक्टर्स, वेयर बीम हैज 2 फैक्टर्स नहीं बीम के 3 फैक्टर, तो क्या वो मतलब पूरा स्टेटमेंट गलत है, पूरा आंसर इज ओनली 1। ये क्वेश्चन में हम क्या कर सकते थे 50-50 करके, या तो ये टिक करो सही गलत जो भी वैसा 10 प्रश्नों में करोगे नेट गेन होगा, अगर सपोज नहीं जम रहा है यू सिंपली स्किप इट, ऐसा नहीं कि सब टिक ही करना है। यूट्यूब पे आप जानते हैं बहुत सारे क्लिकबेट टाइप के वीडियोस बनाए जाते हैं, अब बीच में एक ऐसा ट्रेंड चला पर्टिकुलरली 2016 की एग्जाम वो यूनिक थी, क्योंकि उसमें आप अगर कुछ तुक्के मारो तो सारे प्रश्न बिना कुछ पढ़े भी सॉल्व हो जाए, जैसे एक तुक्का ऐसा कि कोई भी स्टेटमेंट जहां पर नंबर या डिजिट दिया गया हो तो वो स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग ही होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर वो उसने मतलब वो जो भी एग्जामिनर था वो बराबर केयरफुली क्वेश्चन सेट नहीं करा, तो हर जगह वो मतलब स्टेटमेंट करने के लिए वो क्या करेगा ये 3 फैक्टर देते तो वो कर देगा ताकि ये स्टेटमेंट गलत और जल्दी से मेरा जवाब हो गया, जब आप समझिए जो क्विज सेटअप कर रहा है वो आदमी प्रोफेसर ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसे हर जगह पर वो बेवकूफी जैसे कॉमन फीचर लगा रहा है। एज अ रिजल्ट इन 2016 इट वाज हैपनिंग कि अगर ये हमको कहीं पर भी नंबर कैसे एलिमिनेट कर दो तो अपने आप अपने जवाब हो जाता, लेकिन वो ऐसा मेटा कीवर्ड एनालिसिस या तुक्केबाजी 2016 में काम में आती थी, फिर यूपीएससी को भी पता चल गया कि ये पब्लिक को पता चल गया है, तो अगर 2019 में ऐसे तुक्के मार के आप अगर टिक करना चाहें कि ये इधर नंबर लिखा है मतलब ये स्टेटमेंट गलत ही होना चाहिए, इट डजंट हैपन लाइक दैट इन एवरी स्टेटमेंट नाउ, तो ऐसी सब गैस मास्टरगिरी में बोलता हूं, गैस मास्टरगिरी मत करो, टिक मास्टरगिरी तक बराबर है कि 50-50 वो तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, इसके बाद भी कुछ चीजें देखनी है बट लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
लेट्स ब्रेक इट ओवर नाउ सम मिसेलेनियस टॉपिक्स गूगल ने एक मनी ट्रांसफर ऐप बनाया था तेज फिर बोल दिया उसको गूगल पे या जीपे आगे चलकर कुछ एक्टिविस्ट ने आरबीआई की वेबसाइट पर गए जहां पर आरबीआई ने लिस्ट दिया है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंतर्गत हमने इन लोगों को लाइसेंस दिया है कि मोबीक्विक पेटीएम एयरटेल वगैरह बट दे डिड नॉट फाइंड एनी लाइसेंस और नेम ऑफ गूगल पे तो उन्होंने जाकर दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ फरियाद करी दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल को पूछा कि तुमको आरबीआई से कुछ लाइसेंस परमिशन नहीं तो आप कैसे ये पूरी चीज चला रहे हैं देन गूगल क्लेरिफाइड कि हम किसी का पैसा अपने पास स्टोर करते नहीं है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा जाता है हमारा कोई वॉलेट जैसी चीज़ है जिसमें पैसा रुक कर जाता है वी आर ओनली सम टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स और हमने बैंकों के साथ पार्टनरशिप किया और हम यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं जो एनपीसीआई ने बनाया इसलिए हमको कुछ लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत है उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको क्या बोला या पूरा लीगल मैटर किया वी आर नॉट हियर फॉर सम एलएलबी एग्जाम नॉट इंपॉर्टेंट आपने ये तो देखा होगा कई जगह पर वो पेटीएम का ऐसा बारकोड स्टिकर होता है उसको स्कैन करो आप पैसा ट्रांसफर कर सकते लेकिन यहाँ पर भी वो वही प्रॉब्लम जैसे एप्पल वॉच से एंड्रॉइड फोन को कनेक्ट नहीं कर सकते ये पेटीएम ऐप की मदद से आप फोनपे का कोड शायद स्कैन नहीं कर पाएंगे पेटीएम ऐप में नॉट स्कैन द फोनपे कोड एंड वाइस वर्सा मतलब एक ऐप बैलेंस से आप दूसरे ऐप वाले मर्चेंट को पैसा ट्रांसफर शायद ना कर पाए आगे चलकर एनपीसीआई उसने अपना ऐसा क्यूआर कोड बनाया जिसको बोलते हैं भारत क्यूआर कोड मतलब वीक रिस्पॉन्स कोड जो एक प्रकार का स्क्वायर होता है जापान में इनवाइट होता वगैरह सो नाउ यू कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम एनी अकाउंट टू एनी अकाउंट क्योंकि वो सब चीज़ें आपके सब जगह पर कनेक्ट होती है वगैरह क्या ये भी वन वर्ड एसोसिएशन के एनपीसीआई का भारत क्यूआर है वगैरह उसके बाद वो कैसे काम करते हैं और इसका इसमें होता है कि नहीं होता है डोंट वरी सो मच अबाउट दैट तो ये सब हमने समझ लिया आप अन अकेडमी में पाएंगे कि इधर एक कॉर्नर में एक चैटबॉट जैसा होता है जो आपको थोड़ी थोड़ी बार में कुछ ना कुछ मैसेज डालते रहता है सिमिलरली एनपीसीआई ने भी अपने चैटबॉट बनाया है जिसका नाम है पाई चैटबॉट तो उसमें आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट इज एनपीआई व्हाट इज दिस यूपीआई तो वो उसके जवाब आपको देगा इज इट एन इंपॉर्टेंट थिंग आई डोंट थिंक इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग वो तो बस ऐसे ही चैटबॉट कुछ करने की चीज है द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक यूपीआई भीम ये सब हमने जाना चाहिए अमेज़न की राइवल कंपनी है फ्लिपकार्ट पेटीएम तो सामने फोन पे मास्टर कार्ड तो सामने वीजा एनपीसीआई के सामने कोई राइवल कंपनी है कि नहीं ये तो इतना सब चलाता है एपीएस एंड बीबीबी एंड दिस भीम एंड आईएमपीएस एंड सीटीएस सो मेनी थिंग लेकिन इतना सब कोई और ऑफर कर ही नहीं रहा है तो एनपीसीआई उसको लगा कि मेरा कोई राइवल है ही नहीं नो वन कैन डू द थिंग्स आई एम डूइंग आई एम द वर्ल्ड अपनी भगवान है तो फिर आरबीआई को लगा ये बराबर नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिशन इनोवेशन चीपर प्रोडक्ट इसके लिए जरूरी है कि कोई राइवल कंपनी होनी चाहिए तो आरबीआई का अभी बेटा गवर्नमेंट निकालता हूँ और 2019 में उसने एडवर्टाइजमेंट दिया वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर अ न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट सिस्टम यानी ये सब कुछ जो चीज़ें एनपीसीआई ऑफर कर रहा है ऐसा कोई दूसरा ऑफर करना चाहते तो हम उसको लाइसेंस देंगे और वो लाइसेंस का नाम होगा अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट सिस्टम अब यहाँ पर रिलायंस पेटीएम जैसी कुछ कंपनी को दिलचस्पी है कि वो भी ऐसा पैरेलल सब बनाना चाहते हैं लेकिन वो भी पूरा मटेरियलाइज नहीं हुआ तो इस पर अभी से नींद होने की जरूरत है डू नॉट लूज सो दैट इज डन अप टू पेज 12 अभी नेक्स्ट टॉपिक है कार्ड टाइप रुपे एंड अदर थिंग्स वेरी इजी लेट अस से सपोज बैंक का कस्टमर है और सामने अलग अलग मर्चेंट है जहाँ पर आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं और वो आपको शॉपिंग करने देते हैं तो सपोज एक्सिस बैंक वाला सब मर्चेंट के साथ नेटवर्क टाइप करे फिर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला सब मर्चेंट के साथ टाइप करे तो वो पूरा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बहुत सारे वायर केबल लगाने होंगे और ऐसा करके भी हम पूरे वर्ल्ड में तो कनेक्ट हो नहीं सकते लिमिटेड भारत के अंदर कनेक्टिविटी मिल सकती तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कुछ इंटरमीडिएट कंपनीज बिचौली आ जाएंगे ये इंटरमीडिएट कंपनीज को बोला जाता है पेमेंट गेटवेज जैसे वीजा है मास्टर कार्ड है रुपए है वगैरह वो लोग काम क्या करते हैं वो सब मर्चेंट के साथ टाइप कर लेंगे और वही वो सब बैंकों के साथ टाइप करेंगे तो इंडिविजुअल बैंक ने पूरा हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ी अब ये कोई दयादान या धर्मदान तो कर नहीं रहे दीज आर प्रोफेशनल कंपनीज तो वो फीस चार्ज करते हैं मर्चेंट से भी फीस चार्ज करते हैं कि भाई हमने तुम्हारा ये कस्टमर के साथ टाइप करवा दिया है तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर के नाम पर वो हर एक ट्रांजेक्शन पर सपोज 0.2% कमीशन अपना काटेंगे और सामने जो आदमी ये कार्ड यूज कर रहा है उस कस्टमर से भी सपोज उसको बोला जाए 499 rupees पर ईयर सिवाय कि आप 1,00,000 rupees पूरे साल में खर्च करते हो तो आपका फीस नहीं लगे क्योंकि इतना वॉल्यूम हो जाएगा 1,00,000 rupees का ट्रांसफर होते हैं मर्चेंट से ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट में मिल रहा है यू लर्न समथिंग सो लाइक दे विल रन एंड फाइनेंस दिस एंटायर ऑपरेशन ये तो चल ही रहा था एनपीसीआई को लगा कि मुझे इधर भी भगवान बनना है तो वो अपना प्रोडक्ट लेकर आते हैं जिसका नाम है रुपे रुपे इज बेसिकली अ पेमेंट गेटवे उसमें अच्छी बात ये वो सब मर्चेंट के साथ टाइप करें सब बैंकों के साथ टाइप करें लेकिन ये जो आगे हमने देखे मास्टर कार्ड वीजा वो करीब करीब 300 crore rupees पर ईयर फीस में चार्ज करते थे वैसे एनपीसीआई ने बोला कि मैं उसे 40% कम प्राइस लेकर ये पूरी सिस्टम रन करूंगा सो पैरेलल दे आर ऑल्सो रनिंग देयर ऐसा विजुलाइज करो प्राइवेट बस ये लोग भी चला रहे हैं प्राइवेट बस वो लोग भी चला रहे मास्टर कार्ड वीजा एनपीसीआई एवरीवन सो एनपीसीआई उसका ये रुपए रुपए मतलब ये जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इसमें इधर ये जो नीचे लिखा है इट शोज दैट दिस पर्टिकुलर कार्ड्स आर रनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाईवे रुपी प्लस पेमेंट मिलाकर बनाया शब्द रुपए तो मास्टर कार्ड वीजा कार्ड चाइना यूनियन पे ऐसा रुपए पूरी दुनिया का सातवां अजूबा सेवंथ पेमेंट गेटवे है उससे पहले दूसरे 6 और चल रहे हैं तीन जगह यूज कर सकते हैं एटीएम मशीन में डाल सकते हो ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं अमेज़न में कुछ ऑर्डर प्लेस करो और ये वाला आप अपना नंबर डालो फिर ये मेरा कार्ड एक्सपायरी डेट और पीछे आपका सपोज 123 ऐसा सीवी नंबर फिर एसएमएस वगैरह कर सकते हैं एंड थर्ड इज पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस मतलब ये जो मशीन है इसमें स्वाइप करो और फिर आपसे पिन नंबर माइनस 1234 डाल और पैसा ट्रांसफर सो थ्री वेज वी कैन यूज इट कमर्शियल बैंकों ने इशू करें ऐसे कार्ड कोऑपरेटिव बैंकों ने पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट बैंक रेलवे ने भी इशू करें और डेयरी वालों ने भी इशू करें ये अलग अलग बैंकों के प्रकार क्या है वो नेक्स्ट के नेक्स्ट वीक वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स और रेलवे वाले क्या कार्ड इशू करें वैसा कि 100 रुपये का कार्ड खरीदो आपको कार्ड देते हैं फिर वो कार्ड की मदद से आप टिकट खरीद सकते हो डेयरी वाले कार्ड क्यों देंगे डेयरी वाले फार्मर उसको मिल्क सप्लाई करेगा और डेयरी वाले सपोज उसको 1,000 rupees का कार्ड देंगे कि बेटा तुम ये यूज करो उससे अपने पशु के लिए जो भी घास चारा खरीदना है या कोई पर्टिकुलर फर्टिलाइजर या दवाई खरीदनी है वी विल गिव यू और आप कार्ड स्वाइप कर देना हम लोग आगे पिलर 1B में पढ़ेंगे कि गरीब लोगों के प्रधानमंत्री जनधन योजना के बैंक अकाउंट खोलते हैं उन सबको ऐसे कार्ड फ्री में दिए जाते हैं बैंक द्वारा तो ओके दैट इज रुपे कार्ड सो रुपे इज बेसिकली टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर जो सबको कनेक्ट कर रहा है असल में जो कार्ड होते हैं उसके तीन प्रकार होते हैं पहला प्रकार है प्रीपेड कार्ड प्रीपेड कार्ड मतलब एडवांस में आपने पैसा देना है सपोज 1,000 rupees दिया और अमेज़न वाले ने आपको जो गिफ्ट कार्ड दे दिया इसका मतलब आप फिर 1,200 rupees की शॉपिंग नहीं कर सकते यू कैन ओनली 800 or 1,000 rupees शॉपिंग ऐसे रेलवे वाले जो प्रीपेड कार्ड होते हैं वो रेलवे में काम करते हैं सेकंड टाइप इज कॉल्ड डेबिट कार्ड मतलब आपके बैंक अकाउंट में सपोज 10,000 rupees हैं तो वो कार्ड की मदद से आप वो 10,000 rupees ही यूज कर सकते हैं आप उसको एटीएम से विड्रॉ भी कर सकते हैं या सीधा ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं वगैरह सो दैट इज डेबिट कार्ड अब एटीएम से पैसा विड्रॉ करेंगे उसमें अलग अलग बैंकों की लिमिट होती है कि 5 times विड्रॉ कर सकते हैं वगैरह बट वो हमारे लिए सब कंपनी थर्ड टाइप इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड मतलब क्या है क्रेडिट मतलब उधारी
आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना या ऐसा इधर कोई लिंकेज नहीं है, यू कैन सिंपली यूज दिस कार्ड टू डू द शॉपिंग और फिर उसमें आपका बैलेंस माइनस माइनस होते रहेगा एंड देन आपने किसी बैंक अकाउंट में की मदद से, सपोज आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, सपोज उसमें लिमिट होगी 15,000 की हर महीने शॉपिंग कर सकते, देन यू गो एंड डू द शॉपिंग और ऐसा करते करते आपने 10,000 की शॉपिंग कर दी तो बस फिर बाद में जाकर अगले 32-45 डेज में आपने उसमें 10,000 रुपए कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो क्वार्टर होगा उसमें जाकर ट्रांसफर कर देंगे, वो फिर कैपिटल बैंक से किया SBI से किया वो सब आपके ऊपर है। सो यू आर नॉट स्पेंडिंग मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट डायरेक्टली, रादर आपको पैसा उधारी में दिया और फिर 32-45 डेज में आपने उनको वापस करना है। अगर उसे ज्यादा टाइम में वापस किया तो फिर उस पर वो सर्टेन परसेंटेज आप पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये जो क्रेडिट कार्ड है उसकी मदद से आप अगर ATM से पैसा विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ कर तो सकते हैं बट वो एक प्रकार से पैसा आपने बोरो किया ऐसा माना जाएगा, तो उस पर भी आपने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितने दिन में वापस करना है, वो सब हमारे लिए काम है। क्रेडिट कार्ड मतलब उधारी में पैसा शॉपिंग करने देता है। एंड द फोर्थ टाइप इज हाइब्रिड कार्ड। हाइब्रिड कार्ड ऐसा कि हमारे मोबाइल में आजकल दो सिम फिट कर सकते हैं, तो एक ही कार्ड में दो सिम लगा सकते हैं कि नहीं, इधर मतलब एक तरफ से स्वाइप करो तो वो डेबिट कार्ड का मजा दे और दूसरी तरफ से स्वाइप करो तो वो क्रेडिट कार्ड का मजा दे, ऐसी दो चिप फिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे ये वीजा वालों ने इंडस बैंक में ऐसा कार्ड बनाया तो हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड कार्ड। NCERT में लिखा है कि प्लास्टिक कार्ड सॉरी दिस क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड उसको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है बिकॉज ये कार्ड प्लास्टिक के बने। सो दैट इज वन टाइप की शॉपिंग आप कैसे कर रहे हैं, बैक एंड बैंक अकाउंट के साथ टाई है या सीधा आप बोरोइंग कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली बिल्कुल क्लासिफाई। कार्ड को क्लासिफाई करने का एक दूसरा तरीका डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, उसमें ऐसी स्ट्रिप होती है कार्ड में और वो आप कार्ड स्वाइप करेंगे तो वो मैग्नेटिक स्ट्रिप में जो डेटा होगा उसको वो रीड करेगा। ये 1960s के जमाने की टेक्नोलॉजी है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सब डेटा क्लोन हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, ऐसे भी मशीन होते हैं जो आपका कॉपी करके डुप्लीकेट कार्ड बना देंगे तो फ्रॉड के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए RBI ने इनको 2019 में बंद करवा दिया। RBI को ऐसा पावर किधर से मिला, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट से। तो अगर ऐसे कार्ड बंद हो गए हैं तो फिर नया कार्ड कैसे चलता है, उसमें ऐसी सिम कार्ड जैसी चिप होती है जिसको हम बोलते हैं EMV टाइप ऑफ कार्ड्स। यूरोपे मास्टर कार्ड वीजा ये तीनों ने मिलकर ये चिप की पूरी सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है। तो चिप इंफ्रास्ट्रक्चर विद इंक्रिप्शन, उसमें डायनामिक डेटा स्टोरेज, क्लोनिंग थोड़ा मुश्किल है। ऐसे EMV कार्ड के फिर दो सब टाइप होते हैं। पहला EMV कॉन्टैक्ट कार्ड, मतलब वो आपने अंदर इंसर्ट करना होगा मशीन में और फिर काम होता है। दूसरा होता है EMV कॉन्टैक्टलेस कार्ड, उसमें वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टेक्नोलॉजी है, उसको बस आपने टच करना या ऐसे बस छू के निकल जा कचरा, वो जो अमेरिकन बोलता है ऐसी टेक्नोलॉजी, सिंपली टैप द कार्ड एंड पैसा कट होगा, कुछ उसमें आपने पिन कोड डाल और ये सब मत मारिए। उसमें क्या टेक्नोलॉजी 3D सिक्योर वगैरह बैंक इंटरव्यू में काम की हमारे लिए काम की नहीं। सो ओके, कार्ड टाइप्स आर अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्ड टोकनाइजेशन। कार्ड टोकनाइजेशन को समझने से पहले उदाहरण समझते हैं। सपोज टाइम्स ऑफ इंडिया में मुझे तैमूर का कोई आर्टिकल दिखे, उसका कोई फोटो लगाओ और फिर मुझे नीचे कमेंट लिखना तैमूर इज अ क्यूट बेबी, तो वो उसमें भी ईमेल आईडी मांगता है, मैं लिख दूंगा ना ईमेल, तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया वाले को मजा आएगा, वो दिन में 50 बार मुझे शॉपिंग और क्रेडिट कार्ड के स्पैम ईमेल भेजता रहेगा। तो सॉल्यूशन क्या है, मैं दूसरा फेक आईडी क्रिएट करता हूं ना, कोई बफर या सेपरेट आईडी mruna.comments@gmail.com, तो फिर जिधर भी मुझे जो कमेंट मानिए मैं मारूंगा, लेकिन मेरा mruna.gmail आईडी स्पैम से बच जाएगा। और मैं ऐसा भी फीचर बना सकता हूं कि सपोज mruna ये वाले कॉन्टेक्ट कमेंट वाले ईमेल आईडी में कुछ फिल्टर रूल बना सकता हूं कि सपोज roman@gmail.com से मिला है तो उसको स्पैम मत समझना, उसको मेरे मेन अकाउंट में भेज देना। तो ऐसा काम भी हो सकता है। दिस कार्ड टोकनाइजेशन कांसेप्ट इज सिमिलर टू दिस। आप अगर Amazon, Paytm कहीं पर भी शॉपिंग या कुछ मोबाइल के अंदर आपने पैसा डाला या रिचार्ज किया तो वो आपकी कार्ड डिटेल को सेव कर देता है कि सपोज आपका विजय कुमार नाम है, ये कार्ड है, एक्सपायरी डेट CVV, एक बार आप डालोगे तो वो स्टोर कर देगा ताकि जब दूसरी बार आप शॉपिंग करो तो आपने सब कुछ डेटा फिर से टाइप नहीं करना पड़े, एक दो चीज़ें पे डाला ऐसे में डाला काम हो गया, कन्वीनियंस बढ़ाता है। लेकिन जब कन्वीनियंस बढ़ता है, जैसे कि कई बार आप पाएंगे कि आपने एड्रेस टाइप नहीं करना पड़ता, ड्रॉप डाउन में सीधा दिख जाता है क्योंकि गूगल आपका डेटा हर जगह शेयर कर रहा है। बट देयर इज अ चैलेंज, अगर ये Amazon हैक हो गया या Paytm हैक हो गया तो हैकर्स को आपके सब कार्ड डिटेल्स पता चल जाएगी, वो उसका मिसयूज कर सकते हैं। उसी प्रकार फिजिकल मर्चेंट, वो भी आपकी कार्ड डिटेल्स उसके मशीन में स्टोर हो रहा है, मिसयूज हो सकता है। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस? तो इधर भी वो mruna.comments@gmail ऐसा कोई फेक अकाउंट बनाते हैं ना, जिसको बोला जाता है टोकनाइजेशन। RBI ने ये चीज अलाउ करी इन द लास्ट ईयर। टोकनाइजेशन का मतलब क्या है, आपके पास ये वीजा पेमेंट गेटवे वाला सपोज SBI का कार्ड है तो आप उसके वेबसाइट पे जाओगे और आपका टोकन नंबर वो जनरेट करेगा, मतलब ये 4321 समथिंग समथिंग है, उसके सामने वो सपोज ऐसा जनरेट 5321 वगैरह और वो इंटरनल सिस्टम को पता होगा कि ये वाली चीज़ इसके साथ नहीं। फिर जब आप शॉपिंग करने जाओ तो आपने 5321 वाला नंबर इधर डालो और फिर उसमें जो भी SMS आया शॉपिंग हो गया तो भले आपका फिर डिटेल हैक भी हो जाए तो वो 5321 ही हैकर को पता चलेगा, बट वो ऐसा पता नहीं कर पाएगा कि वो 4321 के साथ लिंक है या क्या। इवन फिजिकल ऑफलाइन स्टोर की मशीन में भी कुछ डेटा तो वो भी कुछ बदमाशी नहीं कर सकता। सो दैट इज सफिशिएंट टू नो अबाउट टोकनाइजेशन फीचर, एक प्रकार से वर्चुअल या फिर दूसरा वो नंबर जनरेट करता है ताकि ओरिजिनल नंबर किसी को पता नहीं चले, वो मैटर उधर खत्म होता है। फिर टोकन नंबर में कितना, 15 डिजिट है, 16 डिजिट है, उसमें प्राइमरी अकाउंट नंबर क्या होता है, वो डी टोकनाइजेशन कैसे होता है, CVV का फुल फॉर्म क्या है, वो सब बैंक के लिए काम का है, UPSC एग्जाम में काम करने से। सो दैट इज अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट टॉपिक NCMC एंड फास्टैग, ये भी आसान है। 2019 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स उन्होंने तय किया कि अलग अलग मेट्रो ट्रेन चलती है। वैसे मेट्रो ट्रेन तो रेलवे की चीज लगती है बट हम लोग आगे फिफ्थ पिलर में पढ़ेंगे कि जब मेट्रो मतलब जो अर्बन एरिया में सिलेक्टेड रूट पर ट्रेन चलती है उसका काम ये अर्बन अफेयर्स वाली मंत्रालय में आता है। खैर, तो उन्होंने सिलेक्ट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, NPCI बैंक, उन सबकी मदद से वन नेशन वन कार्ड मॉडल तैयार किया। बेसिकली आइडिया ये है कि ऐसे कार्ड इशू किए जाएंगे, वो कार्ड कौन इशू करेगा, बैंक वाले इशू करेंगे और उसमें आप पैसा इंस्टॉल करोगे तो प्रीपेड कार्ड हो गया या फिर आपके बैंक अकाउंट को लिंक करोगे तो डेबिट कार्ड हो गया, आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड के रूप में भी पल्टी डाल के लगा सकते हो ताकि बोरिंग पे खर्च कर सको। और ऐसे ये जो कार्ड होंगे आपके पास नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, बस वो आप जाकर मेट्रो ट्रेन है उसमें सफर करना है, बस इस सबर्बन रेलवे टोल पार्किंग स्मार्ट सिटी पेमेंट, स्मार्ट सिटी पेमेंट मतलब आप शहर में रहते हैं तो जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स या गटर पानी का बिल आपने भरना है वो सब चीज़ें फिफ्थ पिलर में आराम से पड़े या कुछ शॉपिंग, तो ये सब फीचर उसमें है। सो दैट इज द NCMC कार्ड। तो ऐसा नहीं करते हुए सीधे सीधे जो SBI का देशी कार्ड होता है उसमें ये सब क्यों फिट नहीं कर दिया, कर तो सकते हैं बट ऐसा नहीं किया तो मीडिया में खबर आएगी और लोगों को पता है मोदी सरकार कुछ कर रही है। सो दे विल इन्वेंट समथिंग, हमने MCQ के लिए तैयार करना है, सो विल प्रिपेयर। इधर इसका ब्रेन चाइल्ड है तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का क्या फीचर है, प्राइमरी तो ट्रेन यात्रा के लिए उसके पैसे आप स्वाइप करके काट सकते हैं और दूसरी बार शॉपिंग वगैरह भी हो सकती है। आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि उनके मेट्रो ट्रेन स्टेशन बहुत बढ़िया होते हैं और फिर वहाँ पर ऐसे गेट जैसी चीज़ें होती है, वहाँ पर वो कार्ड डालवा फिर आप जा सकते हैं। तो वो सब पूरी जो नेटवर्क और सिस्टम यहाँ पर भी हो तो स्वीकार और स्वागत नाम के मॉड्यूल्स हैं जिससे ऑटोमेटिकली पैसा कट हो जाएगा कार्ड से, स्वचालित ऑटोमेटेड गेट वो खुल जाएंगे और आप जा सकते हैं वगैरह, ऐसे काम करते, नॉट इंपॉर्टेंट वर्ड एसोसिएशन हो गया, वो सफिशिएंट है। नेक्स्ट इज फास्टैग। हाईवे पर आप जाते हैं तो ऐसे टोल के फाटक होते हैं, मतलब वहाँ पर आपने पैसा देना है, आप हाईवे यूज़ कर रहे हैं, एक प्रकार की फीस दे रहे हैं एंड दे विल अलाउ यू टू यूज़ इट। लेकिन हर एक गाड़ी वाला रुक के पैसा देगा तो बहुत टाइम जाता है, छुट्टे पैसों की चेंज की मगजमारी होती है,
सरकार लेकर आई कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर नहीं कर सकते पैसा। तो देयरफॉर इन 2013 भारत सरकार ने सब कार मेकर्स को बोला कि गाड़ी के अंदर जो ये कांच पे ऐसी एक RFID टैग लगानी है, कंपलसरी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की टैग लगानी। और फिर 2017 में नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया जो एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके बारे में फिफ्थ पिलर में पढ़ेंगे, जो भारत में हाईवे डेवलपमेंट करता है, उन्होंने तो कुछ ऐप लॉन्च किया, माय फास्टैग, फास्टैग पार्टनर वगैरह। पूरा फीचर ये है, ये जो आपके पास एक चीज है उसमें आप ऐप की मदद से सपोज 100 रुपये इंस्टॉल कर दो, फिर आपकी गाड़ी जाएगी, 10 रुपये का चार्ज लगता है तो अपने आप हो गया माइनस 10 चले गए और 90 रुपये बचे, दूसरी बार जाओ वापस कट हो जाएंगे, एंड लाइक दैट इट विल वर्क। तो हर बार रुकने की जरूरत नहीं, फास्टर हाईवे ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। सो दैट इज द फास्टैग एंड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। वैसे तो 15 जनवरी 2020 से कंपलसरी लॉन्च करना था, अगर आपने ऐसा नहीं लगाया है तो दूसरी लेन से जाना पड़ेगा जहां पर ज्यादा फीस लगेगी, सपोज इधर 10 रुपये लगती है तो उधर हो सकता है 15 रुपये और आपने कैश में पे करना है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने ये डेडलाइन को रिलैक्स किया था वगैरह, बट वो सब हैंडआउट में बहुत ज्यादा चिंता में आने, बेसिक फीचर इज सफिशिएंट। नेक्स्ट इज एटीएम, एटीएम पर फिर एक ब्रेक ले लेते हैं। एटीएम इज वेरी इजी, SBI का एटीएम, एक्सिस का एटीएम आपने देखा होगा। तो आपने एटीएम में मशीन में कार्ड डाला तो उसे कैसे पता चलेगा कि ऊपर किसका बैंक अकाउंट और कितना बैलेंस है? बीच में कुछ सर्वर कनेक्टिविटी होनी चाहिए और वो कनेक्टिविटी कौन करता है? NPCI का नेशनल फाइनेंशियल स्विच यानी NFS, वो सब बैंकों को सब एटीएम को आपस में लिंक करता है। कुछ बार ऐसा होता है कि SBI बैंक खुद से एटीएम चला रहा है, मतलब वो जो जमीन होगी, जो ऑफिस होगी उन्होंने खरीदी होगी या रेंट पे ली होगी, वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, CCTV कैमरा, ट्रक भर के जो कैश में रिफिल करते हैं, वो सारा काम बैंक खुद करता है, तो बोलते हैं बैंक लेवल एटीएम। कुछ जगह पर एटीएम मशीन बैंक का है लेकिन वहाँ पर जो सिक्योरिटी और कैश फिलिंग का काम आउटसोर्सिंग में देते हैं तो उसको बोला जाता है ब्राउन लेवल एटीएम। एंड देन थर्ड, ये पिंक कलर का एटीएम देखो, मुथूट एटीएम। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि मुथूट तो भाई बैंक है नहीं, वो तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो इसके पास इतनी पावर कैसे आ गई कि वो एटीएम चला रहा है? इसको बोला जाता है व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल मतलब बैंक नहीं है ऐसी एंटिटी, नॉन बैंक वाला ऑपरेट कर रहा है। अब अगर वो नॉन बैंक है तो उसके पास कैश किधर से आएगा? वो किसी स्पॉन्सर बैंक जैसे फेडरल बैंक से लेकर कैश इसमें डालेगा। नाउ व्हेन यू स्टार्ट टू वंडर, तो फिर उसमें कमाई किधर से है? कमाई ऐसे कि आप जाके पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस पर जो चार्जेस लगते हैं वो इंटरनली आपस में इन सब लोगों ने एडजस्ट किया। वो कैसे काम करता है नॉट इंपॉर्टेंट, कौन सी कंपनी ने सबसे पहले लॉन्च किया नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतनी व्हाइट लेवल एटीएम मतलब क्या, नॉन बैंक उसको ओन करता है और उस नेटवर्क को ऑपरेट करता है, उसका कैसे फिलिंग, CCTV, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ। 2012 में RBI ने इसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट करी और फिर चार कंपनियों को लाइसेंस दिया था, जैसे ये मुथूट है, महिंद्रा, फुल चार्ज। फिर 2013 से लेकर 19 तक इसकी कोई एप्लीकेशन इनवाइट करी नहीं, ऐसा विजुलाइज करो कि UPSC का रिक्रूटमेंट होता ही नहीं। फिर RBI को लगा कि ये सिस्टम बराबर नहीं है, जिसको भी आना है उसको आने देना चाहिए। तो 2019 अगस्त में RBI लेकर आई ऑन टैप लाइसेंसिंग सिस्टम। ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम इज जस्ट लाइक ड्राइविंग लाइसेंस। आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो क्या कोई नोटिफिकेशन का इंतजार करना है कि 4 अक्टूबर को एग्जाम है या ये मई को एग्जाम है? व्हेनेवर यू फील दैट यू गो एंड अप्लाई। सिमिलरली आपको व्हाइट लेवल एटीएम की दुकान खोलनी है तो आप RBI को अप्लाई करो व्हेनेवर यू वांट, जस्ट लाइक अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनी फॉर्मल नोटिफिकेशन फॉर अप्लाइंग जस्ट लाइक IAS एग्जाम। सो दैट इज कॉल्ड ऑन टैप सिस्टम। इसके बाद माइक्रो एटीएम और कुछ और चीजें हैं, बट आई थिंक लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक, 4 मिनट का जल्दी से पानी पी लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते उसका आधार कार्ड नंबर दिखाएगी उसके साथ बैंक अकाउंट लिंक होगा और वो ऑथेंटिकेट होगा कि यस दिस लेडी हैज दिस बैंक अकाउंट नंबर फिर उसको जितना पैसा डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है ये भाई साहब अपने पॉकेट से वो निकाल कर देंगे और फिर वो जब ब्रांच में जाएंगे तो उसको एडजस्ट करेंगे। सो दिस मनी इनसाइड इट डजंट हैव द एटीएम लाइक थिंग बट इसको बोला जाए माइक्रो एटीएम।
Now obviously if you want to enter in the banking habit in people, तो हमें ऐसे मशीन को भारत में ज्यादा बनाना चाहिए, तो इसके जो भी स्पेयर पार्ट इंपोर्ट करते हैं उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स कम करना चाहिए, तो 0% कस्टम ड्यूटी। उसको हम लोग भारत में मैन्युफैक्चर करते हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो वो कितनी होनी चाहिए 0। ये अलग अलग जो टैक्स है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट इन सेकंड पे। और ये सब का भी नेटवर्किंग का काम, ये जो लेडी यहाँ पर अंगूठा मारेगी और उसका आधार कार्ड के साथ टाइप होगा, वो क्या आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, फिर वहाँ से डेटा जाएगा और फिर सब बैंकों के साथ कोर बैंकिंग एंड बिल वर्क। यहाँ से प्रीलिम 2018 में प्रश्न पूछा था, बट आसान है तो सीधा जवाब देखते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, इट हेल्प्स प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, वो बराबर है। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन, सब लोगों के बैंक अकाउंट खुले, सब लोगों को मदद मिले बैंकिंग में जुड़ने की। तो हाँ, अभी हमने देखा कैसे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की मदद से गरीबों को भी बैंक मित्र सुविधा देता है। NPCI हैज लॉन्च रुपे कार्ड पेमेंट स्कीम, वो भी बात सही है। तो द आंसर इज सी, बोथ 1 और 2 आता है। ये कैसा ऐसा फल है कि एकदम जमीन पर उपलब्ध है, सो इट इज एन इजी क्वेश्चन, इधर स्किप भी नहीं करना, 50-50 100% श्योरिटी से टिक करना। ऐसा एक और प्रश्न पूछा गया 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द ATMs इन इंडिया, तो कौन सा जवाब है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, और उसका ये नेशनल फाइनेंशियल स्पीच NFS वो ये काम करता है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, NPCI। तो ये भी ऐसा एप्पल है कि वो जमीन पर ही गिरा सीधा उठाना, इजी क्वेश्चन, यू मस्ट। तो इस कारण से हमने इतने सारे प्रोडक्ट अभी पढ़े, बिकॉज देयर इज अ ट्रेंड कि कुछ प्रश्न UPSC ने पूछे। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज MDR। सपोज कोई मर्चेंट है जिसका एक्सिस बैंक, HDFC कहीं पर बैंक अकाउंट है, और एक लेडी है जिसको शॉपिंग करनी है जिसका SBI या ICICI कहीं पर अकाउंट है, और फिर वो अपना कार्ड मशीन में स्वाइप करती है, बीच में हो सकता है कोई ना कोई पेमेंट गेटवे, वीजा रुपए, और फिर वो लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं, काम होता है। और यहाँ पर ये वीजा रुपए वो सब लोग मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाम की फीस चार्ज करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम ये जो पूरा नेटवर्क है वो सिर्फ एक्सिस, SBI, ICICI, ये सब जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक, उनको ये अलाउ था कि वो ऐसे नेटवर्क में जुड़ सकते थे। अब ये कमर्शियल बैंक क्या है वो हम लोग पिलर 1B में आराम से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। आगे चल के 2020 में RBI ने रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी अलाउ किया, जैसे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। अब ये दूसरे बैंकों से अलग कैसे वो भी हम लोग पढ़ेंगे, बट पिलर 1B क्लासिफिकेशन। बट द पॉइंट इज ऑल टाइप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द टाइप ऑफ बैंक्स आर नाउ अलाउड टू वर्क इन दिस सिस्टम। प्रॉब्लम एरिया है मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR। व्यापारी छूट दर जैसा हिंदी नहीं किया और सीधा MDR लिखा हिंदी लिपि में तो भी चलेगा ना। सो सपोज ये लेडी ने 10,000 रुपये का शॉपिंग किया और उसने कार्ड स्वाइप किया, शॉपकीपर ने पिन को डाला लेडी ने और पैसा ट्रांसफर किया, तो क्या शॉपकीपर को 10,000 रुपये मिलेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि बीच में ये जो वीजा मास्टर कार्ड वो लोग बोलेंगे कि इसमें हमारा 2% के हिसाब से 200 रुपये हमको मिलने चाहिए, और बैंक वाले उन सबने सब मिलाकर जोड़ा होगा। तो एज अ रिजल्ट ये जो भाई साहब है मर्चेंट उसको 10,000 नहीं मिलेंगे, उसके 200 कट होकर कितना 9,800 ही उसके एक्सिस बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो। सो दिस इज कॉल्ड मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी ये जो फीस 200 रुपये कट हो गई मर्चेंट के पास से ताकि पूरा नेटवर्क चल सके। नाउ व्हाई दिस इज बैड फॉर द डिजिटल पेमेंट, क्योंकि चलिए 10,000 की साड़ी और उसमें मर्चेंट हो सकता है 5,000 में ही उसने तो खरीदा और बड़ा उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ही कैन सस्टेन। लेकिन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG, मतलब जैसे सोप, टूथपेस्ट, इन सबको FMCG बोला जाता है, फिर आइसक्रीम वगैरह, इन सब में प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? 10 रुपये की चीज़ होती है उसमें उसको शायद 50 पैसे का प्रॉफिट मार्जिन, और इसमें भी ये लोग मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नाम पे पैसा कट करें तो ये शॉपकीपर को प्रॉफिट दिखेगा नहीं, एंड एज अ रिजल्ट वो सोचेगा कि नहीं ये मैं कार्ड मशीन मेरे को इंस्टॉल नहीं करना। सेकंड प्रॉब्लम, सपोज वो 10,000 की साड़ी बेचे तो मशीन से पैसा असेट किया बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट मैंने आगे भी बताया था पान कार्ड नंबर के साथ लिंक हो रहे हैं, तो फिर इनकम टैक्स वाले इस पर रेट डालेंगे कि तुम 10,000 कमाते हो तो टैक्स क्यों नहीं भरते, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल नो माय नेम, दे विल रेड मी, तो भी मैं मशीन इंस्टॉल नहीं करूंगा। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, पीपल आर नॉट अडॉप्टिंग द मशीन, मर्चेंट्स मशीन लगाते नहीं, तो फिर ये लेडी उसके पास भले डेबिट कार्ड हो बट वो यूज नहीं कर पाएगी, वो ATM मशीन में अपना कार्ड डालेगी और 10,000 कैश में निकालेगी और कैश की मदद से शॉपिंग करेगी। जब पब्लिक शॉपिंग कैश से करती है तो दूसरे मर्चेंट क्या सोचेंगे, भाई पब्लिक कैश लेके तो आती है तो क्यों मशीन इंस्टॉल करने, कैश में करो, ब्लैक मनी बनाते हैं हम लोग, टैक्स नहीं बना वगैरह। एंड एज अ रिजल्ट वेरी फ्यू पीपल विल अडॉप्ट द MDR इन कार्ड पेमेंट, तो ये मास्टर कार्ड वीजा ने भी अपना जो स्टाफ सैलरी वगैरह करनी है, सो ऑब्वियसली उन्होंने 200 रुपये फी रखनी पड़ेगी, यानी कि 20 रुपये में चला सकते, तो वो अपने मर्चेंट डिस्काउंट रेट की फीस बढ़ाते रहेंगे तो दूसरे मर्चेंट कम यूज करें, सो लाइक दैट विशेष साइकिल वॉज क्रिएटेड। अब इस विश चक्र से निकलने के लिए RBI ने कुछ कदम उठाए, क्योंकि RBI को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है 2007 में पावर मिलते हैं ये सब अलग अलग डिजिटल पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करते, तो RBI ने बोला कि अब से मर्चेंट डिस्काउंट रेट उसका फीस क्या होगा, नॉट मोर देन 0.9% इन केस ऑफ डेबिट कार्ड। ये आंकड़ा काम का नहीं, बट आप उदाहरण से समझिए कि पहले सपोज 2% का उस हिसाब से 10,000 पर 200 रुपये जाते थे, अब 0.9% के हिसाब से 90 रुपीज़ ही जाएंगे, मतलब ये मर्चेंट को पहले से ज्यादा पैसा मिल रहा है, उसकी फीस में से पैसा कम कट हो रहा है। सो ना ये मैं पहले भी यहाँ बराबर है, मैं इसको मशीन को अडॉप्ट करता हूँ ताकि पब्लिक मेरी दुकान से ज्यादा खरीदे, तो RBI ने ये कदम उठाया। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कदम उठाया, फ्रॉम 1 जनवरी 2018 बोला गया कि कोई भी कस्टमर डेबिट कार्ड यूज करे, क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड, भीम यूज करे, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यूज करे, और उसमें 2,000 रुपये तक का बिल, 2,000 रुपये तक का बिल, तो उस पर जितना MDR लगेगा सपोज 0.9%, तो वो मर्चेंट के खाते से मत काटना, ये मास्टर कार्ड वीजा को गवर्नमेंट अपने पॉकेट से दे देगी, गवर्नमेंट विल बियर द कॉस्ट ऑफ MDR, मतलब MDR पर सब्सिडी दी जाएगी या छूट या रियायत दी जाएगी, यानी जो पहले 90 रुपये भी कटते थे वो भी कटने का इसको डेंजर नहीं, तो मतलब शॉपकीपर को ज्यादा प्रॉफिट और मौज होगा। यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न नहीं होगा कि सर ये डेबिट कार्ड वगैरह में कट हो तो बात समझ में आती है, बट ये भीम और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम वो तो सीधा बैंक टू बैंक ही ट्रांसफर कर रहा है, तो उसमें मास्टर या वीजा कार्ड का क्या रोल है कि उसको पैसा मिलना चाहिए? ऑब्वियसली दैट इज राइट थिंग, आपका जो डाउट है, बट गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन में लिखा 20, 20, 20 सब पे अगर लगता है MDR तो हम छूट देंगे, तो देयरफॉर इट इज रिटन लाइक दिस। आगे मैंने आपको बताया कि 2019 तक का पता होना चाहिए, 2018 का माल हमारे लिए काम का नहीं वैसे तो, लेकिन 2 ईयर तक स्कीम चलेगी, मतलब 2020 तक चली, तो देयरफॉर वी हैव टू बी अवेयर कि ऐसा चल रहा था। अब इससे फायदा क्या होगा, मर्चेंट को फायदा है कि उसको MDR उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ा है, तो कार्ड मशीन एक्सेप्ट करेगा एंड डिजिटल इकोनॉमी विल बी एनकरेज। कुछ मर्चेंट बदमाशी भी करेंगे, सपोज 10,000 का बिल होगा तो उस पर MDR मर्चेंट के पॉकेट से जाएगा, 2,000 का बिल होगा तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम पे करेंगे, तो मर्चेंट ऐसा भी तो कर सकता है कि 10,000 की साड़ी बेचे और 5 बार मशीन में स्वाइप करवा दे कार्ड ताकि 2,000 के बिल दिखे और फिर गवर्नमेंट से सब्सिडी लेता है ना, तो गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है। प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि बीएफ में सरकार ये सब कर रही है, बट इफ यू लुक एट द हिडन मोटिव, ये बैंक अकाउंट में सारा पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट पान कार्ड नंबर के साथ लिंक है, सरकार को पता चल जाएगा ये 10,000 की साड़ियां बेचता है और इनकम टैक्स नहीं भरता, तो फिर उसको जब जरूरत पड़ी रेट मार सकता, तो इट इंडायरेक्टली हेल्प्स इन दैट आल्सो। लेकिन MCQ में पूछा जाए तो एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनकरेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इकोनॉमी भारत इसको एनकरेज करनी, रेट मारने के लिए नहीं। तो अगर कोई छोटा व्यापारी है
और ये मतलब 2000 रुपये के बिल बना रहा है तो उस पर 0% MDR क्योंकि सरकार उसका सारा खर्च अपने पॉकेट से दे रही थी। उसके बाद 2019 में निर्मला सीतारमन दूसरा बजट लेकर, और ये ओरिजिनल बात की 2000 का बिल है तो सरकार उस पर सब्सिडी देगी, वो जेटली ने 2018 में बोला। उसके बाद निर्मला सीतारमन 2019 बजट लेकर आती, उसने कहा कि अगर कोई बिजनेस फॉर्म जिसका एनुअल सेल्स यानी कि टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, अब ऐसा तो किसका टर्नओवर हो सकता है, जियो स्टोर का हो सकता है, जियो कंपनी का इतना होता है, एप्पल के जो स्टोर रूम होते हैं उसका हो सकता है, यस जिस बिग बाजार है ऐसे शॉपिंग मॉल, तो ऐसे बड़े शॉपिंग मॉल पर कोई MDR नहीं लगेगा, वहाँ पर आप कार्ड से पेमेंट करो। लेकिन उस केस में वीजा मास्टर कार्ड को जो फीस देनी है वो गवर्नमेंट विल नॉट पे द फीस, बोला गया कि RBI और जो भी बैंक है सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो मिलकर ही ये केस में जो यहाँ पर पेमेंट हुआ उसके MDR की फीस वो लोग भरेंगे, और इसके लिए सरकार ने फिर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में सुधार करा है। सो RBI एंड बैंक विल एब्जॉर्ब दिस बर्डन, और वो RBI ने और SBI ने क्यों करना है, क्योंकि भाई आपको हमने फायदा करवाया कि आपने कैश हैंडल नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा कार्ड से पेमेंट डिजिटल हो रहा था, आपका कैशियर का जो सैलरी या मैन पावर बच गया, यू कैन यूज़। सो स्मॉल मर्चेंट और वो सब चीज़ें ओके 0 MDR, और बिग मर्चेंट उसके लिए भी 0 MDR, ऐसी सब गेम खेली गई। और ज्यादा यहाँ पर स्पेस में कि कितना टर्नओवर लिमिट का या इधर इतनी ये चीज़ की, पॉइंट इज गवर्नमेंट टुक सम रिफॉर्म्स इन MDR, क्योंकि ये बेसिकली ऐसा टॉपिक है जो ऐसे में आपने कहीं पर लिखना होगा दैट दिस इज अ चैलेंज इन दिस वर्ल्ड। इधर से UPSC के लिए एक मॉक टेस्ट हम लोग ट्राई करते हैं। शुभम, रोहन, अपराजिता, अमित, आशीष, मृदुल, उपासना, आरती, नितुष, निर्देश, सुरभि, श्रवण, कार्तिक, कृतिका, कुणाल, विजेंदर, अपर्णा, क्षिति, शिवम, MD आफ्ताब, सुब्रत, पूजा, प्रभात, देवराज, उत्कर्ष, शिक्षा, राहुल, सोनिया, खुशी, शशांक, मयंक, रवि, निशा, अनिकेत, मनीष, प्रतिभा, आरजी, विपुल, त्रिशा, हैट्रिक, साध्वी, रंजना, याग्निक, देन याग्निक, अपूर्व, प्रीति, कृतिका, कानन, सचिन, अक्षर, सौरभ, रानी, अमृता, राहुल, लता, एंड अदर्स। 6-7 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। गुड, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि MDR पर सब्सिडी पे करेंगे, वो असल में कौन विभाग करेगा? मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ा नहीं, तो आपके पास ऑप्शन था कि इसको अटेम्प्ट करो या स्किप करो। इधर 50-50 का स्कोप कमी है, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वो भी लग सकता है, फाइनेंशियल सर्विस भी लग सकता है, इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी इनमें से हो सकता है। ये तो मतलब कि लगता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT वाले तो कंप्यूटर का करते हैं, इन्होंने कुछ बनाया, बी में आपका कुछ पूछा तो हो सकता है, ये तो जमता नहीं, राइट? ये कुछ हमारी लॉजिक या गैस मास्टर की बोलती है। व्हाट इज द रियल आंसर? इसका नोटिफिकेशन 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसने अनाउंस किया था कि MDR की सब्सिडी वो हम लोग पे करेंगे, और उसका ऑब्जेक्टिव भी उन्होंने बोला कि इसकी मदद से डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहन मिलेगा। सो द आंसर इज व्हाट? बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बी ऑप्शन टिक किया वगैरह, ये अगर मैं चाहता तो आपको एडवांस में पढ़ा देता कि ये वाला है, और फिर मैं आपको मॉक क्वेश्चन देता तो सबके करेक्ट होते, बट जानबूझ के मैंने ये क्यों किया ताकि आपको पता चले कि ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन जहाँ पर चारों ऑप्शन या तीन ऑप्शन मिलते जुलते हैं इकोनॉमिक फाइनेंस के, और हम कुछ 50-50 नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति में 50-50 और गैस मास्टर की बैकफायर कर सकती है, तो मतलब पता है तो 100% श्योरिटी से या स्किप कर। इफ ओनली सपोज इधर ऐसा लिखता मैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर इरिगेशन, और फिर आपको देता, देन यू कुड गो फॉर 50-50 स्ट्रेटजी की ये और भी तो नहीं हो सकता, CRDB में से कुछ है, देन आप टिक करें तो बराबर, बट ये परिस्थिति में जब आपको पता ही नहीं क्या है, देन बेटर टू स्किप, हर जगह पर तुक मार के करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। रविवार से पहले मैंने आपको बताया था मींस के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख लेना, और ब्रेनस्टॉर्म करके आना कल कि ई लर्निंग उसमें अच्छा बुरा क्या है, ई पार्लियामेंट, ई कोर्ट, वर्क फ्रॉम होम, आप समझ सकते हैं बेसिकली मोर लेस द सेम थिंग। तो आगे कल हम थोड़ा और पढ़ेंगे कि ये हमने पढ़ा सब डिजिटल पेमेंट उसमें और एनकरेज करने के लिए क्या, फिर एक नंदन नीलेकानी कमेटी बनी उसने क्या किया है, कुछ और रेगुलेटरी बॉडी देखेंगे, फिर क्रिप्टो करेंसी पढ़ेंगे, एंड देन सम ऐसे मेंस रिलेटेड डिस्कशन की सब में से डिजिटल पेमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या हो सकता है, और जब वो कर रहे हैं तो पहले ये सभी मिलते जुलते टॉपिक, ई लर्निंग, ई पार्लियामेंट, ई कोर्ट, वर्क फ्रॉम होम वगैरह। सो थिंक ऑन दैट, लिखना कुछ भी नहीं अभी, ओनली व्हेन आई टेल यू कि इसके बाद आपने आंसर राइटिंग करना, ओनली देन यू डू इट, बट प्लीज थिंक ऑफ देम इन एडवांस। सो आई एंड द क्लास हियर, और कल रात हम लोग मिलते हैं। कौन से खाने तो हमें बता, वो खाली तो है, वो मैं देखो किसके सवाल पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल मैप है, क्लाइमेट मैप है, खाली मैप।